Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बदल दिए कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हमें पहले ख्वाब ही लगता था और लगता था कि गुजरे हुए वक्त को हम वापस नहीं ला सकते, अब तो आप एज रिवर्सल कर सकते हैं इस तरह से कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं। मतलब अब ये ना कि कोई ऐसा मसला नहीं कि टेंशन नहीं है कि वक्त के साथ आप जो दिल चाहे, मतलब ब्यूटी जो है ना कोई मसला नहीं। अब तो परमानेंट मेकअप जो लिप्स को भी चाहते हैं कि हमें हर वक्त नहीं लगाना, लिप लाइन बनी रहे, इसको बेसिकली परमानेंट मेकअप ही कहते हैं। अच्छा, कई लोग पूछते हैं बड़े मजे का क्वेश्चन, ये होता है कि फाउंडेशन परमानेंट लगता है? अल्लाह, अगर आप व्हाइटनिंग आप बताएंगे तो सही है, आज व्हाइटनिंग पे बोलेंगे, उसके बाद फाउंडेशन की तो इतनी जरूरत रह भी नहीं जाती। बिल्कुल, या ऐसा जिसकी झाइयां तो सिर्फ उसी पे कुछ व्हाइटनिंग व्हाइटनिंग फाउंडेशन कर दिया जाए। जैसे वैसे मैं बताऊं, मैंने आते ही सहरिश से ये सवाल किया क्योंकि इनके इनके फेस पे माइक्रोब्लेडिंग तो हो रही है, झाइयां बहुत ज्यादा है, तो मैंने सहरिश से पूछा था कुछ ऐसा है कि वो झाइयों के ऊपर लगे तो इतनी सी जगह से एकदम से गायब हो जाए ना, क्योंकि झाइयों के लिए कहा जाता है ना फर्क, अभी तो डॉक्टर्स भी सब कहते हैं कि इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब जब तक आप ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, लगा रहे हैं, के साथ साथ होम केयर बहुत जरूरी है। आप एक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट के बाद होम केयर में जब तक मेंटेनेंस मेडिसिन से नहीं करते ना, तो झाइयां जो मेलास्मा है ना वो नहीं जाता। बिल्कुल सही सही। अच्छा उमेरा, क्या लगाना चाहिए नेचुरली घर में? ऑयल बहुत अच्छा है, बादाम का तेल बहुत अच्छा है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, आप बादाम का तेल लगा लें, कैस्टर ऑयल लगा लें, सुरमा लगा लें, और जिनकी बहुत हल्की सब ये कर रही हैं, उसके अलावा होता है कि आपने सुरमा लिया या काजल लिया घर का बना हुआ, ठीक है, उसमें आपने ऑलिव ऑयल मिलाया है और दिन में 2 से 3 बार उसको किसी चीज़ के साथ डिप करके या पेंसिल लेके, और आपने 3 से 4 बार ना 2 बार 3 बार वो बार बार आईब्रोज के ऊपर आपने फिराना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि एक्चुअली होता है कि बहुत से लोगों के जब गलत आईब्रोज बन जाती हैं, गैप आना शुरू हो जाता है, तो उसमें जब आप रेगुलर लगाते हैं तो आईब्रोज घनी भी लगती हैं, ऐसे ऐसा वहाँ पे बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और साथ साथ जिनके बाल सफेद हो जाते हैं आईब्रोज के वो भी सही हो जाते हैं। बिल्कुल सही, सो करना सिर्फ ये है कि ऑलिव ऑयल में सुरमा और काजल मिक्स करना। बिल्कुल, कोई भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बिल्कुल, कोई भी अच्छा है बहुत अच्छी बात है, और काजल तो आप घर में बना सकते हैं, ठीक है, आपने वो मिक्स किया और रख लिया और दिन में 2 बार 3 बार जितना इजी कॉटन ब्रश से लगा लिया, पेंसिल से लगा लिया, बजाय हम आई शेडो या दूसरे आईब्रो से करें, कम से कम फायदा तो पहुंचेगा। और पता है जब इसको लगा के रात को छोड़ते हैं तो वो बहुत जल्दी जो है ना ग्रो करती हैं और कलर डार्क हो जाता है। मुझे याद है कॉलेज के जमाने में ना कैस्टर ऑयल यहाँ लगाकर, मैं तो कॉलेज लगा कर जाती थी ताकि और बड़ी बड़ी आके लगे रात को, बहुत हर किस्म की चीजें, कुछ लोग देखो म्यूनिस भी लगाते हैं, म्यूनिस में अंडा है, विनेगर है, सारी चीजें, प्रोटीन नहीं समझ में, इतने सालों से अभी भी लोगों को ये नहीं पता हेयर मास्क क्या है, प्रोटीन क्या है, नहीं पता कंडीशनर में ट्रीटमेंट क्या है, नहीं नहीं मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वेजलिन लगाएं एंड्स पे, उसके ऊपर शॉपिंग बैग और छोड़ दे भले 2 घंटे, उसके बाद फिर आप शैम्पू एंड रिंस कर दे तो उसमें से फटी एरियो का सा सही करता है, स्मूथ कर देगा, बालों को भी बहुत अच्छा करता है। अच्छा, और ग्रो लैशेस भी बड़ी जल्दी ग्रो होती हैं। और मुझे तो इतना शौक है वैसलीन में काजल और सुरमा डाल के मिला के और उसको बादाम का तेल, अच्छा बादाम का तेल, ठीक है, अच्छा इसको भी लगा ले रात में, लगाए बच्चों रात में लगा के, हमारे क्या छोटे छोटे बच्चों को भी बच्चियों को ना दे दे आप बना के, तो वो बड़े शौक से लगाते हैं, फर्क फर्क पड़ता है, लोग कहते हैं ना आप लोग कैसे, हम करते हैं शौक है और हम एफर्ट करते हैं, करना पड़ता है, बिल्कुल सही करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा क्या हुआ यहाँ पे सरिश? जी बस मुझे पानी चाहिए, साथ साथ मैंने इसको रिमूव करना है। अच्छा, यानी ये पहले अप्लाई होता है और फिर इसको रिमूव करते हैं? जी बिल्कुल सही, आप देख सकती है इसमें कोई ब्लड कोई इस तरह की चीज नहीं होती, इट्स क्वाइट शी इज कंफर्टेबल, दर्द तो नहीं हो रही ना? बिल्कुल सही, आराम से, ठीक है, इसके अंदर ही कहीं कलर मिक्स है ना कुछ, लेकिन ये जो जैसे इनका थोड़ा डार्क कलर हो रहा है। अच्छा, इसमें ये होता है कि फर्स्ट 3 डेज के लिए कलर डार्क रहेगा, ठीक है, बिकॉज नीडल से हो रहा है ना ये काम, तो ये स्कैब बन जाएगा, स्कैब मतलब एक फ्लेक सा बन जाएगा स्किन के ऊपर, और 3 to 4 डेज इसका हीलिंग टाइम होगा, ठीक है, और वो ये स्कैब ये जो कलर है ना ये पूरा क्रस्ट बन के उतर जाएगा। अच्छा, एंड देन इट विल गिव इफेक्ट ऑफ जैसे पाउडर इफेक्ट नहीं होता, शेडिंग इफेक्ट का वो वाला आएगा, ठीक है, मतलब इनको कभी भी पाउडर या कुछ लगाने। तो इसमें कलर्स भी अगर डार्क ब्राउन करना हो? हाँ, इसमें बहुत सारे शेड्स हैं। सरिश कितना वैसे आसान है ना कि जिन लोगों को रोजाना वैसे शेप्ड फर्क होती है, लेकिन आप खुद से रब करते हैं ना तो हर दफा ही आपकी टेढ़ी हो जाती है। एक्जेक्टली। अच्छा, क्या अगर गलत हो गया कभी जो एक्सपर्ट करने वाला है उससे गलत हो और वो बेचैनी हो रही, तो इसका सही हो सकता है? उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा 3 साल? नहीं, उसके लिए लेजर रिमूवल होता है जो क्यू स्विच लेजर होता है, उससे रिमूव कर सकते हैं,
और उसके अलावा कुछ सॉल्यूशंस भी होते हैं उसको भी अप्लाई करके आप रिमूव कर सकते हैं। ये करवाते हैं अच्छा एक्सपर्ट अच्छी जगह से करवाते हैं। बिल्कुल आपने कोई भी चीज जो है वो किसी जगह अपने आपके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करें जब तक कि आपको पता ना हो कि जो करने वाला है वो क्वालिफाइड है, उसकी चीजें हाइजेनिकली ठीक है, करेक्ट है। हाइजीन बहुत मैटर करती है क्योंकि आप इसमें नीडलिंग करते हैं और स्किन को ओपन कर रहे होते हैं। तो ये सही है, हम भी कराएंगे। बिल्कुल सही, करा लेना चाहिए। मुझे लगता है कि जब आपको जरूरत पड़ जाए कि आपने आईब्रोज को थिक करना ही है, पेंसिल कुछ भी मेकअप करते हैं हम लोग सर, हमारे देखो रोजाना करना होता है, करना तो होता है। सरिश के दो क्लाइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अरे सैरिश जब तक इस काम को जरा कर रही है सुकून के साथ, ठीक है सैरिश, हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा सकेंगे। यहाँ पे यही प्रोसेस है, सैरिश ने इसको दोबारा करना है, फिर इसे वाइप करना है, फिर इसके ऊपर तीसरी दफा करना है, एंड देन शी विल बी गुड टू गो। इनकी एक आईब्रो जो है वो हो जाएगी, है ना जी। ओके सो ब्रेक लेंगे यहाँ पे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलना है। कुछ आमदीद सहरिश को हमने लगा दिया काम पे। सहरिश जो है वो अब कर रही है माइक्रो ब्लीडिंग इस वक्त, है ना सहरिश, यही नाम जी, है। और उसके साथ यार बड़ा अच्छा इफेक्ट अभी भी जो हम देख रहे हैं ना, हालांकि अभी सहरिश ने इसे 2-3 दफा रिपीट करना है और फिर इसको क्लीन कर करके ये करती रहेंगी, एंड देन 3 दिन इसके बाद ये जरा डार्क रहेगा और 3 दिन के बाद ये पील ऑफ हो जाएगा खुद ही, ऊपर से स्किन उतर जाएगी और नीचे एक परमानेंट कलर आ जाएगा, यानी जो शेप बना रही है ये फिर इसी तरह से रहेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बहुत अच्छा, जबरदस्त भाई। और सैरिश का हाथ बहुत साफ है, पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो कि बहुत अच्छी माइक्रो ब्लीडिंग जो है वो कर सकते हैं, एंड सैरिश इज वन ऑफ हां वही मैंने देखा शेप पे अच्छी बनी। थैंक यू। अच्छा जी, तो अब आपने हमें बताना है कि अगर यही काम हमने, हाँ अब हमारे पास टाइम नहीं है, जा नहीं सकते व्हाट एवर, लेकिन जाना है शाम में, तो जब मेकअप कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आईब्रो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी हर चीज़ को। तो इसमें ये कि इनके जैसे यहाँ पे देखें, ये फिर भी सही है, इस वाली में गैप है, ठीक है, ये गैप। अब हमने या तो हम इसको लेवल पे उड़ाएंगे, यहाँ से उड़ाएंगे तो बिल्कुल बेकार होगा, इनको इसी शेप को मेंटेन रखना है, ठीक है, ये फर है। अब सिंपल है, घर में मैं समझती हूँ कुछ ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं है तो ये नहीं हो सकता, आपके पास ऑल मतलब कहते हैं ना चीज़ें होनी चाहिए कि ये नहीं सब्स्टिट्यूट होने चाहिए, ये नहीं तो ये। अब ये तो सिंपल सबको पता है, आईब्रो जो किट होती है मुख्तलिफ किस्म के आते हैं, जिसमें आप जेल भी आता है अलग से कि आपने जेल लिया और पहले उसको किया ताकि आपकी आईब्रोज जो है ना ज़रा से टेढ़ी मेढ़ी ना एक लेवल में, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है, ठीक है, ये ना हो तो आई पेंसिल, आई ब्रीव आई पेंसिल से जब करते हैं ना तो उससे बहुत डार्क या फिर हमेशा डार्क ब्राउन लें और सख्त होती है आई पेंसिल और हल्का स्ट्रोक्स होने चाहिए हाथ के। मैं अब इससे बताती हूँ आपके, ये जो है ना सिंपल ये ब्रश होता है, इधर इसमें कट्स भी दिए हुए, जब आप फ्रंट बनाते हैं तो इसके अंदर ये दिया हुआ है। तो ये अगर आपने अपनी आईब्रो बनानी है तो जो ब्रश आपके पास जरूरी है होना वो ये कट ब्रश है, जिसकी शक्ल जो है कुछ इस तरह से होगी कि थोड़ा स्लांट स्लांट थोड़ी स्लांट यहाँ से होगी ताकि आपके स्ट्रोक्स जब लगे तो नेचुरल, एग्जैक्टली ठीक है। और ज़्यादा मैं कहती हूँ जितना नेचुरल है, हल्का से मैंने इसको पानी में डिप किया, ठीक है, इनको मैं ज़्यादा डार्क नहीं, ठीक है, डार्क और ये थोड़ा सा मिक्स करके ब्राउन से, ठीक है। अब हमने इनका ये किया है। और आईब्रोज बनाने की कोई ख़ास टेक्निक भी है, पहले शुरू से एंड किस एंड से शुरू करना होता है? नहीं, फ्रंट से, ठीक है, नाक के पास से आप अपनी आईब्रो जो है वो बनानी शुरू करें, ठीक है। मैं थोड़े ग्लासेस पहन के करूँ ताकि देखिए, ये है ना इनका, ये इनकी ये एक्स्ट्रा बाल है, ठीक है, इनकी क्योंकि हो नहीं अभी थ्रेडिंग नहीं हुई, एक आध बाल ये जब वो जेल होगा ना फरा तो ये देखिए ये कट यूँ होता है, ये इसलिए पहले ये दिया आपने, ठीक है, यानी जिस एरिया को आपने कवर करना है पहले वो निशान लगा, ये मैंने निशान लगाया, ठीक है, फिर मैंने ये इनका ये हल्के 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 एक को करेंगे, ठीक है, ये और ये वाले स्ट्रोक दर्जे जैसे सैरिश ने कहा था ना ताकि नेचुरल, बिल्कुल सही, ये इसको हल्का सा ये हल्का हाथ रखूंगी ताकि ज़्यादा वो ना लगे, अंदर की भी फिलिंग ये देखिए, ये अब यहाँ पे मैं आर्च ये इनका ये भी ये दिया, ठीक है। सो अच्छे शेड्स होने आपके पास ज़रूरी हैं जिसमें डार्क ब्राउन शेड है, नहीं अगर शेड नहीं भी है ये नहीं है आप आई शेडो से, चलो मैं इसे करती हूँ, ठीक है, आई शेडो है नॉर्मल कोई भी आई शेडो आप उसको पकड़ के कर सकते हैं, ये देखो डार्क, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपने आई शेडो से भी कर सकते हैं, मैंने ये डार्क देखो ये, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर क्यों ना आप अच्छी ब्रांड अच्छी क्वालिटी की चीज़ें, ब्रश भी मिलेगा हर चीज़ मिलेगी, हाईलाइटर मिलेगा और उसमें एक जेल आता है
मैं यहाँ लाई नहीं, वरना वो उसमें भी है। इनके से ये बाल है, ये अब जब बनाएंगे तो इनकी कटिंग होनी चाहिए। बेसिकली देखो इनके ये बाल, ये बड़ा बाल, ठीक है, ये जब बनाते हैं आईब्रोज तो ऊपर से एक्सेस बाल कट हो जाते हैं, लेकिन इनकी नहीं हुई थी। मगर जब जेल टाइप होगा उसको हम इसमें बिठाएंगे ताकि फिर इधर से उधर उड़े ही नहीं। बिल्कुल सही, तो इस अच्छा इन्होंने भी आईब्रो लंबी नहीं बनाई हुई है, अगर ये थोड़ी सी छोटी कर लें। अब देखो ये इतनी छोटी कर देंगे ना ये, तो ज्यादा अच्छी लगेगी। अच्छा स्मार्ट लुक, मेरे जाती ख्याल में तो इनकी यहाँ तक होनी चाहिए आईब्रो, इससे ज्यादा तो होनी नहीं चाहिए ना। ये एक्स्ट्रा है, देखो ये इतना कट जाए यहाँ तक, और अगर आप ये अभी हमें काटने देना तो आप देखिएगा एक सेकंड में आपकी फेस पे कितना थ्रेड हो तो मैं कर दूं। दूं थ्रेड? हाँ दे दे, करवा दे। आप जवान होना चाह रही है ना, दो मिनट के अंदर पहले जवान हूँ। ये हुई ना बात, ठीक है। देखो ये हमने ये किया, ठीक है, और हम दूसरी आईब्रो भी मैच करेंगे इसके साथ, इसके साथ ही मैच करेंगे। बिल्कुल सही। तो मैं एक नजर जरा सैरिश पे भी डालूं, क्योंकि सैरिश की माइक्रो ब्लेडिंग सैरिश। अब मजीद इस प्रोसेस में और क्या टाइम लगेगा? बस थोड़ा सा टाइम, अभी ऑलमोस्ट ये हमने कंप्लीट की है, बिकॉज हमने शेडिंग की और फास्ट की, हमने शो में कंप्लीट करनी होती है। नॉर्मली मुझे 2-3 घंटे लगते हैं मतलब इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है, ठीक है। मतलब अभी भी आपको डिफरेंस नजर आ सकता है फिलिंग का। हम कलर थोड़ा सा इसलिए डार्क करते हैं सिलेक्ट, क्योंकि इसने पील ऑफ होके ऑटोमेटिकली लाइट हो जाना होता है। सही, और ये वो कलर है जो नेचुरली हमारी एशियन स्किन टोन्स के ऊपर सूट कर रहा होता है, डार्क ब्राउन जिसे कहते हैं। और अगर कोई खास तौर पे कोई कलर करवाना चाहे तो वो अपनी मर्जी से ऐड ऑन करवा सकते हैं। वी कैन ऑलवेज प्ले विद कलर्स, जिस तरह से एक मेकअप आर्टिस्ट प्ले कर सकते हैं उसी तरह। ठीक है, अब दोबारा से इसके ऊपर करेंगी ये? नहीं, अब मैं दूसरी साइड पे जाऊंगी। ओके, और दूसरी साइड पे, लेकिन इससे पहले कि हम दूसरी साइड पे जाएं, अगर आप थोड़ी देर के लिए उठ के बैठ सके, और हम बिफोर एंड आफ्टर अपने कैमरे को जो है उठ के बैठेंगी, और हम अपने कैमरे पे बिफोर एंड आफ्टर जो है वो एक बैठ जाए, वो आपको कैमरे में रिकॉर्ड कर लेंगे, ताकि पता चल सके कि जो एक साइड पे आपका हुआ है उसमें और जो साइड नहीं हुई उसमें कितना वाजे फर्क है। अंबर देखें, देखे, वैसे तो आपने भी जो किया उसका भी अभी हम बिफोर एंड आफ्टर देखते हैं, लेकिन इधर ये तो परमानेंट होगा ना चुके ये। हाँ, तो अब क्या आर्च आ गई बताओ। हाँ, इस तरफ प्रोमिनेंट हो रही है आर्च उस कैमरे में, देखिए वेरी नाइस, गुड जॉब डन। आपको अंबर की आईब्रोज में कोई फर्क नजर आए तो आप समझ लीजिएगा कि सैरिश के हाथ लगे। ठीक है, फ्री कर दूंगी। तो ये अब इसी तरह से कलर जबरदस्त, अब दोनों को मैच कीजिएगा ताकि हम देख सकें कि कैसा लगता है। लेकिन यहाँ पर भी बिफोर एंड आफ्टर जो है वो ये सेमी परमानेंट। आप भी जरा सामने देखेंगे, आप अल्ताफ के कैमरे में देखेंगी, आप अल्ताफ के कैमरे में देखेंगी, ताकि आपका भी बिफोर एंड आफ्टर जो है वो हम देख सके कि हमने सिर्फ वक्ती तौर पे मेकअप से कवर किया है, मगर इसमें भी आपको फर्क जो है वो फील हो रहा है कि किस तरह से एक अच्छी आईब्रो के बनने से पूरा फेस, और कुछ भी ना करें आप, हाँ। सिर्फ आपकी आईब्रोज नीट बनी हुई, अच्छी तरह से बनी हुई है, तो आप तो सैरिश जब उनका कलर थोड़ा सा पील ऑफ होगा तो उसके बाद जैसे ये टोन है थोड़ी ब्राउन इसी तरह का, बिल्कुल ऐसे ही लगता है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे पाउडर जैसे अभी इन्होंने किया हुआ ना, इस तरह से इफेक्ट आ जाएगा। ब्राउन ही लेते हैं, डार्क ब्राउन तुमने अभी ब्लैक लिया है, अगर डार्क ब्राउन लो तो डार्क ब्राउन लेंगे तो वो भी फिर भी नेचुरल उसके साथ और मैच हो जाएगा। यस, लाइट हो जाएगा। सो बहुत अच्छा लग रही है भाई, आप तो एक साइड से लग ही नहीं रही कि वो वाली है तो दूसरी साइड पे। अच्छा, बड़ी यंग, क्योंकि आईज आपकी एक्सप्रेशन होती है ना यंग, एक लिफ्टिंग इफेक्ट आता है। हर चीज एक दूसरे को आपको कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, जब बेस लग जाए आईब्रो पूरा डन। सैरिश आप इन्हें कंप्लीट कीजिएगा, और जब तक हम आई लैशेज, अगर इनकी लैशेज को हमने घना करना है एक आंख पे, ठीक है, तो फिर मस्कारा जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर कोई एक स्ट्रोक या दो करते नहीं है, ब्रशेज भी मस्कारा के बहुत इंपॉर्टेंट। जब मस्कारा लेते हैं तो कहीं कहीं जैसे मैं भी जब लेने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि एक तो जब ये जब स्टिक ढीली होती है ना, लगाते हुए ढीलापन होता है, तो उसमें मजा नहीं आता, वो खेच के स्ट्रोक्स नहीं आते। तो एक तो ये आजकल जैसे एक तो कोम वाला या ये ऐसे स्पाइक्स होने चाहिए, ठीक है, प्लस ये चल। अब मस्कारा लगाने का सही तरीका क्या है? अब जो खुद लगा रहे हैं, अब बेसिकली आप तो खुद लगा रहे हैं ना, तो जब आप खुद लगाते हैं समझे ये मिरर है, ठीक है ना, तो आपने ये लिया, अपनी आंखें यूं देखेंगे, आप बंद तो नहीं करेंगे, ठीक है, और किसी के हाथ यूं हो रहे होते हैं। अगर अंबर थोड़ा सा शीशे को यूं नीचे करके कर लें तो ज्यादा नहीं, जब नीचे होंगे देखो चांसेस है कि ये यहाँ भी लग सकता है, ठीक है, तो ये लेंथ होगी, ठीक है, ये सामने लेंथ है, आप देख भी रहे हैं,
और आपकी आंखें जो खुली है ना एक उसमें, तो आपने यूं दिया 1 2 3 और मैंने अपनी आंख और खोल ली है, ठीक है, ठीक है ना, यूं खोल ली है, यूं नहीं कर रही मैं यूं, ठीक है, लोग यूं करते हैं जिनको प्रैक्टिस नहीं है, नहीं ये खोलो बिल्कुल खोल, और ये आराम आराम से, पानी तो नहीं आ रहा ना, विच इज गुड, नहीं आता। फिर आप एक एक कोट, दो कोट, भले 3 से 4 कोट आप खुद देखें कि आपकी लैशेज में, और जब यहाँ लगाते हैं ना तो इसको ये फिर नीचे कर लें, जब 2-3 लग गए एंड में ये नीचे कर लें और फिर इसको यहाँ से खींच के ऊपर लेके जाए, अब आंख नहीं खुल रही है, आप खुद इसको खींच के लेके जा रहे हैं। कुछ लोगों की लैशेज चिपक सी जाती है, ज्यादा लगाते हैं तो बिल्कुल, वो पता है क्या, जितनी गीली उसी वक्त करो, एक दफा सूखने के बाद, और ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा होता है, ठीक है, जिसके अंदर खुले खुले कॉम्ब्स या एस्टे ये खुल जाती है। तो अब हम देखेंगे कि कितना आंख की लैशेज पे फर्क पड़ता है। हम लोग जो करते हैं मेकअप तो हम तो पकड़ के ना जैसे ये, ठीक है, अरे मैं इसको यहाँ बंद कर लें। सैरिश से आज हमने अभी कुछ देर में आपको ये भी बताना है कि परमानेंट आई लैश फिक्सिंग भी हो जाती है, सेमी परमानेंट यस। अच्छा, सेमी परमानेंट का मतलब है 6 महीने में निकल जाएगी, तीन महीने में निकल जाएगी और उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नहीं है। बिल्कुल सही। सो आप देख सकते हैं अंबर, बिल्कुल आप देखें, थोड़ा सा नीचे निकल है, ये देखें आँख खुली, तो सामने जो है कैमरे में आप देखेंगी, सो एकदम से ही इनके चेहरे पे कितना फर्क, यानी हमने कोई बेस नहीं लगाई है, कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं लगाया है, सिर्फ अच्छी सी आईब्रोज बनाई है और सिर्फ अच्छा सा हमने मस्कारा लगाया रगड़ के, हाँ, तो एक पूरा फेस जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे आपके, हाँ ये अच्छा। और जो अंबर ने टिप अभी वो दी है ना इससे पहले कि पहले आप ये कर लें, इसके बाद जब आप बेस बनाएंगे ना तो आप बेस भी ऑटोमेटिकली कम लगाएंगे, वरना आप पहले बहुत ज्यादा हैवी बेस कर लेंगे और आपको आपके फीचर्स उसमें दब जाएंगे, सो गुड। अच्छा अंबर, अब हम आते हैं कि अगर दूसरी आंख पे हमने लैश लगानी है और लैश लगा कर अपनी आई लैशेज को एनहांस करना हो, पहले हम रख के देखेंगे, ठीक है, पहले आंख के ऊपर रख के मेजर कर लेंगे, ठीक है। अक्सर ये भी होता है कभी जिसमें ये वाइट है, ठीक है, तो इसके ऊपर पहले आप जब लगाते हैं तो हल्का सा आप लाइनर भी देते हैं नीचे, यस, इसकी एंड पे आप दे सकते हैं इस पर, ताकि ये जो इस पर हम बाद में देंगे लेकिन अक्सर पहले देखें ताकि कहीं से भी थोड़े बहुत ऐब हैं वो छुप जाते हैं, ठीक है। हमने ये लगा कर देखना है ये इनका, ये और इसको कटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं पहले देखूंगी कि आया इनके लिहाज से, ये मैंने यहाँ दी, अभी मैं ना भी ग्लू लगाऊँ, देखिए इनके लिए मैं नहीं करूंगी कटिंग, नहीं करेंगे, खोलो मैं ऐसे कर, ठीक है, ये और ये चिपक गई। अच्छा, अब ये जो है ना एक, ये अभी तो ग्लू नहीं लगाई ना, ये जब गला जो लगाते हैं, मैं वो बताऊं पहले, बंद करें, क्या करते हैं, ये लगाया यहाँ पे, एक तो स्किन पे आएगी, ये लगा दी ऊपर, हाँ, और ये जो है ना ये यूं लगाते हैं, हमें गलत अभी कैमरे में इतना डिटेल में नहीं नजर आ रहा, ये हाँ, गलत है, तो यूं ठीक है, उठ जाती तो है। आपकी आंख ड्रूप हो जाती और अपनी लैशेज अलग जा रही होती है वो अलग, अब आप ठीक है, मैं इनकी कटिंग नहीं कर रही क्योंकि मैंने देख लिया बिल्कुल सही है। जब तक आप इस पे ग्लू लगा रही हैं, मैं जरा सैरिश की तरफ से दोबारा होके आ रही हूँ क्योंकि सैरिश ने अब दोनों आईब्रोज को मैच करना जो है वो शुरू कर दिए। अरे सैरिश, ये जो माइक्रोब्लेडिंग का ट्रीटमेंट है, इट्स एज गुड एज जैसे कि बाहर हो रहा होता है, दुबई में हो रहा होता है, exactly. या यूके में हो रहा होता है, या अमेरिका में हो रहा होता है, ये उसी स्टैंडर्ड्स के साथ हम कर रहे हैं, सारी वही चीजें, सारे वही टूल्स, सारे वही कलर्स, अगेन द सेम टेक्निक। यानी आपको इस तरह के ट्रीटमेंट्स के लिए बाहर जाना जरूरी नहीं है बिल्कुल, और वहाँ भी आपको ज्यादा कॉस्ट मतलब कॉस्टली होते हैं, ठीक है। ज्यादातर मेरे पास बाहर से भी काफी लोग इधर ही करवाते हैं, उनको यहाँ पे चीप पड़ते हैं, बिल्कुल ठीक। सो माइक्रोब्लेडिंग हो रही है और मेरा ख्याल है अंबर ने तो ग्लू भी अप्लाई कर दी है और लैश भी अप्लाई कर दी है, आँख खिल रही थी, ठीक है, नहलाए नहीं आप, ठीक है। ये देखो ये ब्लैक है ना, इस पे एक तो ये मैंने यहाँ लगा, इसको टाइम चाहिए, ठीक है, थोड़ी देर जिसे होल्ड करेंगे, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आएंगे वापस। खुश आमदीद, आज हम आपको बता रहे हैं सदा बहार खूबसूरती के राज, और उसमें उमेरा हिल मेरे साथ हैं जो आपकी आपको हर्बल टिप्स और टोटके बता रही हैं, सहरिश हैं जो कि माइक्रोब्लेडिंग कर रही हैं इस वक्त के पतली आईब्रोज जो हैं उनको अगर आपने परमानेंटली सेमी परमानेंटली फिक्स करना है, गुड 6 मंथ्स के लिए चलेगा सहरिश? नहीं, आईब्रोज फॉर 2 ईयर्स, दो साल के लिए आप ये करवाने के बाद बेफिक्र हो जाएं, आपको कभी आईब्रोज अपनी जो है उनको पेंसिल करने की या पाउडर करने की उनको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही रहेंगी जब भी आप जहाँ कहीं भी जाएंगी। और यहाँ पे उसी को वक्ती तौर पे आपको अंबर ने मेकअप से कवर करना बताया है कि कैसे हमने, आप सामने देखेंगे कैमरे में, एक आंख पे हमने लैश अप्लाई की है इस आंख पे और साथ हमने हैवी
जो है लाइनर दिया है। दूसरे पे हमने सिर्फ अच्छा सा मस्कारा किया है और उसकी आईब्रो एनहेंस की हुई है। इसकी आईब्रो नहीं है ना, नहीं इसलिए नहीं, मगर ये देखो ना, इससे कभी कभार लैश नहीं, अगर मस्कारा अच्छा लगा हुआ तो लैश की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ लाइनर भी हमने दिया हुआ है तो इतना फर्क नहीं। हाँ आईब्रो करेंगे, मेकअप करेंगे एंड ऑब्वियसली पतला, तो मगर इनको आदत भी ना खोले आँख, हाँ क्योंकि वो वजन लगा हुआ है ना ये, ठीक है। अच्छा ये तो एक चीज हो गई, जब तक अंबर आप इसको जरा थोड़ा सा कवर करें और हम इनकी दोनों आईब्रोज हैं वो देख सकें, ठीक है। मैं उमरा हिल आपसे जानना चाहूंगी, आजकल लोग वाइटनिंग इंजेक्शंस जो है बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, तो वाइटनिंग स्किन फेयर करने के लिए क्या चीजें हैं जो कि आपके पास है? बहुत सारी चीजें चलते हैं, आइए तो स्किन फेयरनेस एंड ग्लो के लिए और वाइटनिंग के लिए। अच्छा वाइटनिंग के लिए बेतहाशा चीज़ें होती हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है हर्बल में या नेचुरोपैथी के अंदर ये नहीं कि कोई एक चीज़ हो, खाने की बेतहाशा चीज़ें हैं, लगाने की बेतहाशा चीज़ें। इस पर जो है मैं आपको बड़ी आसान सी एक चीज़ बताऊंगी जो कि लिफ्टिंग के लिए भी, छाइयों के लिए भी और वाइटनिंग के लिए, तीनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगी। वो है ये चावल का पानी, उबले हुए चावलों का पानी, नहीं कच्चे चावल का, कच्चे चावलों का, उबले हुए नहीं, आपने थोड़े से गर्म पानी लिया है उसमें चावल भिगो दिए, कच्चे चावल है, ठीक है। और चावल बासमती सेला कोई कोई भी हो सकते से भी है, वैसे जो क्या कहते हैं टोटा जो चावल होते हैं जो भी होते हैं, लेकिन एक दो दफा चावलों को धोले मट्टी वट्टी भिगो दे, कम से कम एक से दो घंटे पहले साफ करके चावल भिगो दे, ठीक है। उसका एक पानी फौरन फेंक के और ये कर ली, ये पानी ऐसा मिल्की हो जाता है, ठीक है। जैसे अब हमने भिगोया एक से डेढ़ घंटे, इस पानी को निकाला आपने, ये पानी जो है इट्सेल्फ खुद बहुत अच्छी चीज़ है, ये पानी इसको आपने किसी स्प्रे बॉटल में भर के रख लिया है, ठीक है। और इसको तो आपने दिन में एक से दो बार स्प्रे करना है, स्पेशली गर्मियों के मौसम में, सही। ये ऑयल को कंट्रोल रखता है, स्पोर्स को मतलब मिनिमाइज करता है और रंग बहुत अच्छा साफ होता है इससे, और इसके साथ साथ ये दिन भर में लगाने के लिए। अच्छा इसकी दूसरी जो खास बात है, मेकअप फिक्सर के तौर पे बड़ा अच्छा काम करता है, जिनका मेकअप नहीं टिकता है, मेकअप बह जाता है, पसीना बहुत आता आजकल है, गर्मी वक्त के साथ बहुत बढ़ती जा रही है, आपने इसको स्प्रे किया उसके बाद अपना मेकअप कर लिया तो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है, और पिगमेंटेशन को खत्म करता है। अच्छा इसी के साथ अगर हम एक्स्ट्रा वाइटनिंग चाहते हैं तो अपने चावल का थोड़ा सा पानी लिया, इसमें हमने डाल दिया खीरे का जूस, ककंबर जूस, आजकल खीरे बहुत ज्यादा और गर्मियों में और खाने बहुत भी चाहिए, रिफ्रेशिंग खाने के साथ साथ जो है आपने इसको करना है, इसमें जरा सी बिल्कुल जरा सी हम हल्दी डालेंगे, ठीक है। खीरे को हमने छिलकों के साथ ही ग्राइंड किया, छिलकों के साथ ग्राइंड करके उसका जूस निकाल लिया, ये एक्सट्रैक्टर में निकाल लें, और इसके बाद जो है इसके अंदर एक चीज मैं और मिलाऊंगी, मैं देख रही हूँ जरा सा बेसन, बहुत जरा सा, एक्चुअली गर्मियाँ हैं, गर्मियाँ सर्दी होती तो हम बेसन नहीं डालते, ठीक है। चार चीज़ें आपने मिक्स की हैं, ये आपका एक वाइटनिंग टॉनिक बन गया, ठीक है। रात को आपने फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद जो है आपने इसको लिया पूरे फेस के ऊपर, नेक के ऊपर, हाथों पे लगाया और सो गए। सुबह जब उठेंगे दोबारा आपने फेस वॉश किया, मॉइस्चराइजर लगा लिया अगर नीड है, ठीक है। तो ये जो है आपकी पिगमेंटेशन को खत्म करेगा और रंग को ना नेचुरली निखारेगा, ठीक है। और इसका गोरा होना शुरू हो जाएंगे आप, अगर गोरा नहीं तो कम से कम ये जो सन टैन, बिल्कुल इवन स्किन जो इसकी जो टोन होती है वो इवन हो जाती है, एक सा रंग हो जाता है, वो पैचेस बने हुए होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए कि इसमें जो खीरा है, हल्दी है और चावल का पानी है, ये तमाम चीज़ें जो है ना स्किन को, स्किन के रंग को निखारने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। साथ में आपने खीरे का जूस पीना है तो इंशाल्लाह रंग बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। तो ये सिर्फ आजकल गर्मियों में इतना करना चाहिए बहुत है। और अच्छा वो लोग जिनकी स्किन बहुत टैन हो जाती है कि बाहर से आए बच्चियाँ बच्चे जो भी हैं और एकदम से लगता है कि चेहरा जो है मुरझा गया या स्याह पड़ रहा है, तो इसको आपने इसी तरह से बना के इसमें आपने खीरे का जूस थोड़ा ज़्यादा लेना है और उसको फ्रिज में रख देना है, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ का इजाफा हम लोग कर देते हैं, अगर दिन में सन टैनिंग के लिए मैं बता रही हूँ, उसमें इजाफा आप करेंगे बेकिंग पाउडर का, इसी में ठीक है। मतलब ये डे टाइम के लिए आपने बेकिंग पाउडर मिलाया और उसको रख दिया फ्रिज में, ठीक है। जैसे ही आप आए कहीं बाहर से, आपने सादा पानी मुंह पे डाला और इसको लगा लिया, कॉटन से लगा लिया, हाथ से लगा लिया और आधे घंटे के बाद वॉश कर लिया, कोई नहीं कहेगा कि आप बाहर से झलस के आए। अच्छा और एकदम फ्रेश तरोताजा, बिल्कुल स्किन फ्रेश, निखरे हुए शुगुफ्ता, जैसे आप तो कहीं भी आप बाहर धूप में गए ही नहीं। हाँ बिल्कुल स्किन वैसी ही फ्रेश हो जाती है कि बिल्कुल एकदम चेहरा खिल जाता है और जो सन टैनिंग होती है वो खत्म हो जाती है। चीजें क्या क्या थी? चावलों का, चावल का पानी, पानी का, चावलों का पानी भिगोए हुए है, पानी जिस चावल में, चावल जिस पानी में, खाना जो पकाते हैं चावल हमने भिगोए, उस पानी को फेंकने के बजाय उस पानी को स्टोर कर लें, ठीक है। ठीक है, वो पानी आपने थोड़ा सा लिया है, उसमें खीरे का जूस डाला है, हल्दी है और एक चुटकी बेसन डाला है, ठीक है। अच्छा ये रात के लिए है और इसी को दिन में अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें मीठा सोडा डाल दिया, बेकिंग पाउडर डाला और भी एक चुटकी सी, वो भी चुटकी भर डाला है, वो दिन के लिए, और रात के लिए इसमें बेकिंग पाउडर नहीं है।
डन। अच्छा, ये भिंडी इस काम के लिए रखी हुई है? हाँ। आजकल बहुत मजे की लगती है गर्मियों की दोपहरों में भिंडी मैंने रखी है डबल चिन खत्म करने के लिए। डबल चिन भिंडी से खत्म होगी? हाँ जी। इसको देखने से ही खत्म हो जाएगी क्या? नहीं कि आदमी भिंडी की तरह स्लिम स्मार्ट हो जाए? नहीं, अगर ऐसा होता तो पता नहीं क्या होता घर में, क्या क्या रखा होता। अच्छा, इसका यह है कि इसका तरीका है बनाने का, जैसे सबको पता है कि भिंडी को इस तरह जब भिगो के रखते हैं रात के वक्त और सुबह इसका पानी पी लिया जाता है तो ये अल्सर के लिए, शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन हम इसका पानी बनाते हैं मास्क के लिए, और इससे जो हम मास्क बनाते हैं कुछ चीज़ें और डालेंगे तो स्किन को ये पूरी तरह पे लिफ्ट भी करता है और जो डबल चेन है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अरे फिर तो जल्दी से बताइए कि इसमें क्या क्या कुछ और डलेगा। अच्छा, इसमें डलेगा आपका अलसी, ठीक है, फ्लेक्स सीड्स और मेथी दाना। और ये ऐसे ही साबुत साबुत डल जाएंगे? नहीं, इसको हम पीसेंगे। ठीक है, इसको मैं करके दिखा देती हूँ। और बड़ा मज़े का इसका पेस्ट बनता है, जिनकी स्किन लूज है और जो चाह रहे हैं कि जी हम कुछ नहीं कर रहे और हमने नेचुरली कुछ करना है, तो आपने इसका पेस्ट बना लिया, ठीक है, जिसमें मेथी दाना हो गया, मेथी दाना एक चम्मच आपने मेथी दाना लिया। बना के रखने, पाउडर तो खराब नहीं होता है, ठीक है, और इसको जब लगाना है तो आपने भिंडी के पानी के साथ, और अलसी हमने ले ली, हम वजन है दोनों हम एक जितनी बराबर मिकदार में लेकर इसका हमने पाउडर बनाया। और भिंडी का पानी बनाने का तरीका ये है कि भिंडी को धो के काट के पानी में भिगो के रख दें जी। अच्छा, इसका और भी आसान तरीका बताऊं कि घर में जो है आप सब्जी बनाते हैं, भिंडी आप पका लीजिए, उसको ऊपर और नीचे से काटते हैं, वो जो उसके टोपी और वो कहते हैं वो काट के वो आप जमा कर लें और उसको पानी में भिगो दें रात को, ठीक है, और सुबह जो इसका पानी बिल्कुल चिकना हो जाता है, उस पानी लेसदार हो जाता है, लेसदार हो जाता है, उसके अंदर जो है आपने मास्क बनाना। बिल्कुल सही। सो ये इसको हम ग्राइंड कर लेंगे जी, और ये ग्रैन्यूलेटेड होना चाहिए, बिल्कुल पाउडर, फाइन पाउडर, ठीक है। सो इसका क्या फ़ायदा है जिसमें मेथी दाना डाला है? मेथी दाना जब खुद अपना पानी के अंदर मिक्स होगा तो, और अलसी भी, इसका जो लेस पैदा होता है और जो टाइटनिंग इफेक्ट आता है वो दुनिया का कोई मास्क आपको नहीं दे सकता। अच्छा, आप खुद देखेंगे उसको जो लगाते हैं तो एक बहुत लेसदार सा बन जाएगा। अलसी का भी यही काम है और मेथी दाने का भी यही काम है। जैसे आपके एक दफ़ा शो में बताया था कि अलसी का हमने सिरम भी बनाया था, हाँ। वो बिल्कुल लेसदार पानी बन जाता है। तो अलसी को हमने इस तरह से ये एक ही दफ़ा भिगो के रख लें बना के, या फिर ताज़ा बनाएं जब भी? देखिए, पानी तो ताज़ा ही बनेगा, या बना के जो रखेंगे वो आप पूरा वन वीक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका तरीकाकार क्या होता है कि आपने जो पेस्ट ये पाउडर बना के रख लिया है, अब आपने करना कि पानी आपने जो बनाया ये आप वन वीक के लिए रख सकते हैं, ठीक है, इसको आप इसमें डालेंगे और इसको डाल के थोड़ी देर छोड़ देंगे, इसलिए कि मेथी और अलसी दोनों जो है टाइम लेते हैं फूलने में, ठीक है, एकदम से लगाएंगे तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। यानी भिंडी का पानी आप बना के रख लें, भले फ्रिज में रख लें, बिल्कुल, और ये पाउडर आप अलग से ग्राइंड करके रख लें, बिल्कुल, और फिर जब आपने लगाना हो, आपने पाउडर डाला, इसमें भिंडी का पानी डाल के इसको भिगो दिया थोड़ी देर, अभी जैसे भिगोया तो लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये फूल जाएगा, ठीक है, बहुत गाढ़ा बन जाएगा, तो हम इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डालते हैं और तकरीबन 15-20 मिनट भीगा रहे, उसके बाद आप इसको लगाएं, जब आप अपना फेस वॉश करेंगे तो आपको लगेगा जैसे सिल्क का कपड़ा होता है, बिल्कुल स्किन ऐसी होती है, बिल्कुल नरम हो जाएगी, सॉफ्ट, बेबी सॉफ्ट, सपल। और ये अगर आप डबल चिन पे लगाते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट करके लेट जाएं तो ये जो ना बिल्कुल लिफ्ट हो जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ डबल चिन ही लिफ्ट होता है या जिनकी आईज के ये रिंकल्स हैं? आप जैसे आपने लगा के उसको बिल्कुल ऐसे लिफ्ट करना है, स्किन को नेक पे लगाना है और स्किन स्ट्रेट करके ना लेट जाना है थोड़ी देर, ठीक है, तो वो बिल्कुल लिफ्टिंग इफेक्ट देगा। बिल्कुल सही। और उसके साथ साथ स्किन जो है गाढ़ा होना शुरू हो गया, बिल्कुल, ठीक है, तो 15 मिनट भिगोएंगे उसके बाद लगाएंगे। बिल्कुल सही। सो ये हर किस्म की स्किन के लिए, ऑयली है, ड्राई है, एक्नी है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये मेथी दाना जो है एक्ने को भी ख़त्म करेगा, ड्राइनेस जो है अलसी उसको ख़त्म करेगी, और जो बहुत रफ स्किन हो रही है तो भिंडी का पानी उसको क्योर करेगा। बिल्कुल सही। मुझे लगता है सैरिश ने माइक्रोब्लेडिंग कर ली है और आईब्रोज हमारी डन हो गई हैं। हमारी डन हो गई। वाह। सो इनकी अब आप देख सकते हैं कि जो इनके चेहरे पर रिजल्ट आया है कि इनकी आईब्रोज कितनी खूबसूरत लग रही हैं, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच कर गई। थोड़ी देर के लिए आप उठ के बैठेंगी अगर तो हम कैमरे में ज़्यादा डिटेल में देख सकें, ये देखें, और एकदम से उनके फेस का एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया है सिर्फ आईब्रोज करने से। अब उनका फेस है वो एक हैप्पी फेस लग रहा है, वरना उससे पहले से लग रहा था बहुत परेशान, बहुत उदास, बहुत जिसे कहते हैं ना बिखरी हुई, एक अजीब सी एक फीलिंग आ रही थी, लेकिन अब सिर्फ आईब्रोज करने से कंपोज, खूबसूरत, ज़बरदस्त सैरिश। अब इन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्या आपके पास रीटचिंग के लिए आना पड़ेगा इसके लिए?
समटाइम्स हम 1 to 2 months के बाद रीटचअप के लिए बुलाते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल उन लोगों को, क्योंकि हम जितना भी पेशेंट्स को मना कर लें कि आपका जब हीलिंग टाइम है तो आपने स्कैब को उतारना नहीं है, लेकिन कुछ लोग इतने इंपेशेंट होते हैं कि जल्दी से उतारें और नीचे वाला कलर देखें, तो वो जल्दी से उतारते हैं, तो जब आप खुद उसको उतारते हैं ना तो समटाइम्स कलर भी उसके साथ चला जाता है, ठीक है, तो फिर रीटचअप के लिए फॉलोअप के लिए एक दफ़ा बुलाते हैं। अभी कितने दिनों के बाद ये खुद ही से उतरेगा? 3 to 4 days में खुद ही से उतर जाएगा। और नीचे और हमने इनको मना करना है, आपने खुद अपने हाथों से नहीं इसको उतारना, ठीक है, इसको नेचुरली इसको पील ऑफ होने दें। बिल्कुल सही है सारी शाओ। यहाँ पर अंबर ने इनको तैयार किया है, मैंने भी सर हल्का, देखो ये विदाउट विद आईलैश है और ये विदाउट, तो आईलैशेस से भी कितना फर्क पड़ता है देखें, क्योंकि ऑलरेडी अगर सामने में कैमरे में देखें तो एक जगह पे हमने आईलैश एनहांस करने के लिए इनको लैश लगाई है, दूसरी तरफ हमने सिर्फ मस्कारे से किया है, और तो इनकी आईब्रोज दोनों बन गई हैं, बिल्कुल सही, और बहुत खूबसूरत लग रही है। डन, चलो यहाँ पे लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो सैरिश हमें बताएंगी कि कैसे लैश फिक्सिंग करनी है, लैश एक्सटेंशंस करनी है, लैश एक्सटेंशंस जो है उसके जरिए से कैसे आप अपनी आईलैशेस को मुस्तकिल लंबा कर सकते हैं, उसके साथ बालों का भी कुछ हमें बताएं कि बालों को अगर हमने फ्रिजी हैं आजकल गर्मियों में तो हर वक्त बाल ग्रीसी हुए रहते हैं, धोएं तो एकदम से ऐसा लगता है बम फटा हुआ है, उड़ रहे हैं, उसके बाद आज हम बालों के लिए हेयर बोटॉक्स और केराटिन में डिफरेंस को एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट्स कराते हैं, सैलॉन्स पे जाते हैं या घर में भी कुछ भी जो करते हैं, तो आज हम सारे उन इश्यूज को डिस्कस करते हैं कि हम फ्रिज फ्री हेयर या स्मूथनेस जो है वो कैसे अचीव कर सकते हैं। तो आप हमें बता रही हैं ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहिएगा। खुशामदी जनाब, आज हम आपको बता रहे हैं सदाबहार खूबसूरती के राज, और इसके लिए तीन एक्सपर्ट्स मेरे पास मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे पास उमेरा हील है, बड़ी ज़बरदस्त हर्बलिस्ट हैं, आप तो इनको जानते ही हैं, आज ये आपको हर्बल टिप्स एंड रेमेडीज़ में बता रही हैं कि हमारे वो छोटे छोटे मसले जो हमें बड़ा बड़ा तंग कर रहे होते हैं उनके आसान आसान हल जो हैं वो क्या हैं। और यहाँ अंबर लगी हुई है मेकअप करने में, और क्या खूबसूरत आई मेकअप कर दिया आपने इनका। मैं हल्का सभी से वो देखो उससे किया और अभी ऊपर कुछ हाईलाइटर नहीं दिया, लेकिन थोड़ा सा ही शायद ये समझती कि मैं कैरी, आप करती हैं मेकअप ऐसे कम करती हैं। अच्छा, लेकिन इन्होंने अंबर ने छोटी आँख को एनहांस करना, बड़ा करना जो है उसके लिए आई मेकअप किया है, और अगर आपने भी अपनी आँख को एनहांस करना हो तो ये एक टिप जो कि अंबर की तरफ से है। जबकि मैंने अभी नीचे प्रॉपर कुछ नहीं दिया, सिर्फ मैंने सिर्फ कॉर्नर्स पर आई शेडो दे रही हूँ, ठीक है, और अच्छा लग रहा है कॉर्नर को। हाँ, उसके साथ उनकी आँख में खुली हुई लग रही है और बड़ी लग रही है, पहले छोटी भी सी और बिल्कुल धंसी भी सी लग रही थी। अच्छा, अब इसके बाद आप इनकी बेस करने लगी। हाँ, बेस कर लेती हूँ, बस इसको सिंपल से ना भी है तो इतना लंबा चौड़ा नहीं कर रहे हैं, बस इसको ना ब्लेंड कर रहे हैं इसको, ठीक है, और इसमें आपने आँख की एंड पे दिया है कलर ताकि ये नेचुरल, ताकि वो ऊपर मैं इसका हाईलाइटर दे दूंगी, ठीक है, तो इसके साथ इनकी आँख जो है वो डन हो जाएगी। मैं तो कुछ भी हाथ से लेके कर लेती हूँ, ठीक है। और सैरिश, मैंने आपसे कहा था बालों का और उससे पहले आईलैश अगर हम लंबी करें, लेकिन आईलैश की तरफ तो हम जाएंगे, ठीक है, इनका आईलैश करने लगे हैं हम। इनका हम करने लगे हैं, आप बिफोर दिखा दें इसकी लैशेस और उसके बाद हम एक्सटेंशंस करते हैं। बिफोर हम देखने के लिए इनको थोड़ी देर के लिए उठ के बैठना पड़ेगा ताकि कैमरा, हाँ ऐसे ही बैठ जाओ ताकि कैमरा जो है, अच्छा ताकि कैमरा जो है वो इनको देख सके कि अभी इनकी लैशेस कैसी हैं। कोई भी जो चाहे कि उसकी लैशेस नेचुरली लंबी लगें और वो देखने में खूबसूरत लगें तो वो आईलैशेस अप्लाई करा सकते हैं। कोई एलर्जी, कोई इन्फेक्शन, कोई खतरा तो नहीं होता। इन चीजों में इतनी एडवांसमेंट हो गई है। पहली बात है, जो ग्लूज होती है वो मेडिकल ग्रेड होती है, मतलब उसमें कोई सेंसिटिव आईज वाली और डिफरेंट स्ट्रेंथ की होती है, उसके कोई उसके अंदर कोई इस तरह के केमिकल्स नहीं होते जो आपकी अपनी लैशेज को खराब करें, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अब मिंक लैशेज या ह्यूमन हेयर लैशेज होती है वो वेटलेस होती है, लैश एक्सटेंशन जब आप करवाते भी तो आपको नहीं होता कि आपकी एक आर्टिफिशियल, जिस तरह हम आर्टिफिशियल लैशेस लगाते हैं, एक वो वेट होता है उनका, ये वेटलेस होती है, सही। और सेकंड ये चीज है कि और ये 6 महीने तक लगी रहती है, 6 months तक नहीं, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। लोग समझते हैं कि वहां पे या कहीं और पे 6 महीने के लिए क्लेम करते हैं, 6 months के लिए नहीं रह सकती क्योंकि आपका जो अपना लैश साइकिल है वो 2 months का है। इसमें हम डिफरेंट लेंथ सेलेक्ट करते हैं, मैं बस थोड़ा सा डिफरेंस इसका बता देती हूँ। और आजकल जो हम लैशेस कर रहे हैं कलर्ड लैशेस भी कर रहे हैं यंग लड़कियों पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो हेयर कलर है इसी के कुछ सेम कलर को हम कॉर्नर पे ऐड कर देंगे, ठीक है, वो जब आप आंखें बंद करेंगी तो ब्लैक लगेंगी, खोलेंगी तो फिर आपका हेयर कलर नजर आएगा, दैट्स वेरी ट्रेंडी। सो ये जो है ये आजकल हर तरफ आप जो है कलर मिक्सिंग जो कर रही हैं। अच्छा, एक और चीज है, लैश का ट्रीटमेंट होता है
ब्रश लिफ्टिंग, वो आज हम करके तो नहीं दिखा रहे लेकिन मैं वैसे थोड़ा सा उसको बता देती हूँ। उसमें आपकी जो एक्सटेंशन अगर कई लोगों ने नहीं करानी तो आपकी अपनी जो लैशेज है उसको लिफ्ट कर देते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, आपको मस्कारा लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि डिफरेंट शेड्स आएंगे, बिल्कुल सही डन। अच्छा यहाँ पे आइएगा जब तक कि वो थोड़ा प्रिपेयर कर रही है। अच्छा मेरा ख्याल लैश उन्होंने लगानी है सरिश जी, लैशेज वो करती हैं और हम इनका स्टार्ट करते हैं आज। ये इनके बालों का मसला, इनके तो वैसे बाल बेहतर लग रहे हैं मुझे, बालों का तो बेहद बुरा हाल आजकल होता है इनके। अभी ना लकीली या अनफॉर्चुनेटली हमें कोई कोई खराब बालों वाली आज नजर नहीं आई। ट्रीटमेंट हो जाएगा फॉर वंस एंड ऑल सारे मसले जो है वो हल हो जाएंगे। लेकिन ये ट्रीटमेंट भी सरिश क्या लास्ट करता है जो हम करने लगे हैं अभी? अच्छा जो फ्रिज होता है ना वो परमानेंटली आप समझो खत्म हो जाता है विद होम केयर, ठीक है? और जो स्ट्रेटनिंग वाला इफेक्ट होता है दैट लास्ट फॉर 6 to 7 months, ठीक है? ठीक है तो अभी इनके बाल देख लेते हैं, आप खोलो अपने बाल। मुझे तो इनके बाल भी लग रहे हैं बेहतर, शायद इन्होंने फ्रिजी बाल देखे नहीं है किसी के बाल ना, वो मैं वही कह रही हूँ मुझे मिल नहीं रहे कि बहुत डैमेज हो। इवन मैं कहती हूँ कि बहुत ज्यादा डैमेज लेके आए, हम उसको रिपेयर करके दिखाते हैं ताकि आपको रिजल्ट्स पता चले ट्रीटमेंट के, ठीक है? तो यहाँ पर तो कोई भी आज ऐसा नहीं है कि जिसके बाल बहुत डैमेज हो। आपके डैमेज है लेकिन आपके बाल तो हैं, ये तोड़ के कर करके सही हो गए। मेरा फ्रिज है ना, अभी अभी तुम क्या कर रही हो उस पे, क्या कैरेटिन दे रही हो? करने लगे हैं, ठीक है? तो कैरेटिन में भी जैसे ये है ना इनका वेव एक है, ठीक है ना? अब नहाने के बाद जैसे भी ये जो कैरेटीन है ये वही कैरेटीन है जो की हम सुन रहे होते हैं की सैलून पे की जा रही होती है स्मूदिंग सिस्टम। अच्छा स्मूदिंग सिस्टम कैरेटीन की भी टाइप्स होती है, कुछ सैलून जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेटनिंग पे फोकस करते हैं, शायद एक क्लाइंट्स की डिमांड भी है तो वो फॉर्मेल्डिहाइड एक इंग्रेडिएंट है जो नेल पॉलिशेस वगैरह में भी होता है, उस वो वाले इंग्रेडिएंट बेस्ड केराटिन यूज करते हैं। उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि वो आपको स्ट्रेट तो कर देते हैं लेकिन आपके बालों को बाद में ना कुछ 6 to 7 महीने के बाद बहुत फ्रिजी और बहुत ज्यादा ड्राई करते हैं, बाल टूटना शुरू हो जाते हैं। नहीं नहीं मगर फॉर्मल्डिहाइड बिल्कुल सही कह रही, कुछ केराटिन में जो था ना फॉर्मल्डिहाइड इज कैंसरस, जब आप सैलून में कर रही जो वर्कर काम कर रही है वो भी इनहेल विद प्रेगनेंसी है तो वो करना भी नहीं चाहिए। फॉर्मल्डिहाइड थोड़ा सा स्ट्रेट करता है बालों को, रादर डिफरेंट केराटिन में स्ट्रेट नहीं आता। हम अच्छा। जब क्लाइंट से आते हैं ना यही पूछ रहे होते हैं, कहते हैं ना सीधे, उनसे पूछना पड़ता है भाई अगर एकदम सीधे नहीं होंगे, इससे सीधे नहीं होंगे लेकिन सीधे होंगे, सीधे होंगे। अब मेरी इतनी रिसर्च है ना केराटिन्स पे ब्रांड्स पे, मैं मतलब मुझे हमेशा से ये होता था कि स्ट्रेटनिंग भी आए विद वो कॉस्मेटिक इफेक्ट, वो भी बैलेंस ना हो, उसका बाल का जो बॉन्ड है वो ब्रेक ना हो। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, इट्स कॉल्ड रिची केराटिन, रिची प्रोफेशनल्स। इसमें जो फार्मूला है इट कंटेन्स आर्गन ऑयल, ठीक है? आर्गन ऑयल वैसे स्किन के लिए बालों के लिए बहुत अच्छा है, मैजिक ऑयल कहते हैं इसको, बहुत एक्सपेंसिव सा ये बालों के लिए बहुत समझी जाती है। बिल्कुल तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इनसे हम करते हैं और अच्छी चीज ये है कि इस केराटिन को आपने लगा के छोड़ना नहीं है, वेट वाला चीज खत्म हो गई है। अच्छा पहले तो ये होता था ना हम केराटिन सॉल्यूशन अप्लाई करते थे और फिर 40-45 मिनट्स के लिए छोड़ देते थे, नाउ दिस इज वेरी एडवांस, यू डोंट नीड टू लीव इट। शुरू करते हैं और एक दफा आना जरा टर्न अराउंड करना ताकि हमारा कैमरा जो है वो आपका बिफोर बालों की एक सूरत हाल जो है वो देख सके। और अभी आपने बालों को स्ट्रेट किया हुआ है, नहीं, कुछ नहीं किया लेकिन इसके बावजूद बाल जो है वो आपके फ्रिजी हो जाते हैं जब आप धोती हैं उनको, वॉश करती हैं तो फूल जाते हैं, लेकिन अब आपके बाल स्मूथ होने वाले हैं। सो आप बैठेंगी और इनका केराटिन ट्रीटमेंट जो है शुरू किया जाएगा। सैरिश जो है वो क्या करेंगी, अंबर की फ्री आईब्रोज ओके ये सैरिश देख लेना, ठीक है? अच्छा अब बालों की तरफ हम चल रहे हैं सैरिश, बिल्कुल सही। तो बालों के लिए हमने अपनी एक ऑडियंस में से एक बंदी को सिलेक्ट किया है, इनके बाल जो है इन पे हम केराटिन करने वाले हैं। और अगर ये सीधा हो गया लिटरली, मैं अभी तो मैं इसलिए कह रही हूँ मैं फिर आपसे ये लूंगी सैलून में, बिकॉज अब तक केराटिन मैं तो खुद और भी बहुत सारी चीजें करती हूँ, ये मैं लेट मी सी कि आप कहते हैं स्ट्रेट कितना स्ट्रेट होता है, ठीक है? चलिए सैरिश शुरू करें। अच्छा इस पे हम स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा इसके 3 स्टेप्स होते हैं, जैसे आपको इस पे नंबरिंग से भी नजर आ रहा होगा, 1, 2 एंड 3, ठीक है?
और सबसे पहले इससे वॉश होता है, ठीक है, उनके वॉश हो गए हैं। उसके बाद स्टेप टू में हम इसको अप्लाई करेंगे, और जिस तरह मैंने बताया कि इसमें हम छोड़ते नहीं है। नॉर्मली केराटिन में क्या जो सैलून्स पे होता है उसमें वो थोड़ा सा लीव ऑन टाइम होता है, 40 to 45 minutes के लिए छोड़ते हैं, समटाइम्स तो एक एक घंटे के लिए भी छोड़ते हैं। ठीक है, अब क्योंकि चीज़ें बहुत एडवांस और क्विक रिजल्ट ओरिएंटेड हो गई हैं, और इसमें जो हम ब्लो ड्राई करेंगे वो भी कोल्ड ब्लो ड्राई होता है, और इसके बाद कोई कोल्ड स्ट्रेटनर नहीं करेंगे इसको? नहीं नहीं, वो करना है, वो तो करना है, बिकॉज हमारा मोटिव है ना, हमने इसको स्ट्रेट करना है। तो स्ट्रेटनिंग का मकसद भी ये होता है प्रोडक्ट की पेनिट्रेशन अच्छी तरह से हो जाती है। स्ट्रेटनिंग में तो यही है कि आयरन से ही पेनिट्रेट रहता है, पेनिट्रेट रहता है, एग्जैक्टली। तो हॉट प्लेट से करने के बजाय कोल्ड से करेंगे, कोल्ड ब्लो ड्राई करेंगे, मतलब जब उसको हमने फार्मूला को ड्राई करना है तो हम कोल्ड ब्लो ड्रायर यूज करेंगे, और जब हमने उसको स्ट्रेट करना है तो ऑफ कोर्स एक सर्टेन टेम्परेचर पे हम उसको स्ट्रेट करेंगे। वो स्ट्रेटनिंग भी बेसिकली हम प्रोडक्ट की पेनिट्रेशन के लिए कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज है जो मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन हेयर बोटॉक्स एंड केराटिन। वो क्या है? हेयर बोटॉक्स को लोग समझते हैं कि शायद एक इंजेक्शन है, बोटॉक्स जैसे स्किन में लगाते हैं तो बालों में भी वो लगता है क्योंकि उसका नाम हेयर बोटॉक्स है। असल में बोटॉक्स इसलिए उसका नाम रख दिया है बनाने वालों ने कि उसका एक एंटी एजिंग, बालों पे एक रिजुविनेशन वाला इफेक्ट होता है। अच्छा, अब जैसे एक्सट्रीमली डिहाइड्रेटेड हेयर होते हैं, हर एक ने स्ट्रेटनिंग नहीं करानी। फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ तो मैं चाहूंगी मेरे बाल थोड़े हाइड्रेटेड रहे ज्यादा, राधा देन के बहुत ही जरा फ्रेश रहे। एग्जैक्टली, तो उसके लिए हम हेयर बोटॉक्स करते हैं। और हेयर बोटॉक्स जो है वो स्कैल्प में लगेगा? नहीं, वो बालों पे ही लगेगा। अच्छा, वो बेसिकली वो बोटॉक्स इंजेक्शन नहीं है, जैसे बॉन्ड्स का सीरम है। ट्रीटमेंट इसकी तरह ही होता है, लेकिन वो प्रोडक्ट डिफरेंट होती है। केराटिन की प्रोडक्ट डिफरेंट है, बोटॉक्स की डिफरेंट है, दोनों को आपने मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, उसकी इंडिकेशंस डिफरेंट है। मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली डैमेज हेयर है, फ्रिजी हेयर है, तो और अगर उसको स्ट्रेटनिंग नहीं करनी, और समटाइम्स हीट सेंसिटिव हेयर भी होता है। हीट सेंसिटिव ज्यादातर आई थिंक जो लोग मीडिया में काम करते हैं या डेली बेसिस पे स्टाइलिंग करते हैं उनके हीट सेंसिटिव हेयर हो जाते हैं, जैसे दे ऑल नीड हेयर बोटॉक्स। और उसमें आप 100% बॉन्ड रीजेनरेटर भी हो गया, बॉन्ड ट्रीटमेंट, वो वही चीज है। एक्जेक्टली, लेकिन बस कंपनीज ने उसको नाम दे दिया ना हेयर बोटॉक्स, लेकिन वो बालों पे लग जाएगा और बाल जो है वो चमकदार भी हो जाएंगे, स्मूथ भी हो जाएंगे, शाइनी भी हो जाएंगे। जितना आप फ्रीजी हेयर लिया हो आप उसको रिपेयर कर सकते। और वो कितना अर्सा चलेगा? 6 to 7 months तक। और जितने मर्जी आप वॉशेस करें, ब्लो ड्राइज करें, कर्ल्स करें, बाल डैमेज नहीं होंगे, डैमेज नहीं होंगे, बाल उससे हेल्दी होंगे, उससे बाल स्ट्रेट नहीं होंगे। नहीं, ये कुछ अच्छा, वाह। सो अगर कैमरा इसको डिटेल में देख सके तो इन लैशेज में और यहाँ पर जो लैशेज है इनमें कितना फर्क है यार। यानी ये लैशेस अभी से, ये अभी कितना अप्लाई हुई है सरिश? अभी बहुत थोड़ी सी अप्लाई की है इन्होंने। ठीक है, अगर कोई चाहे तो बहुत थोड़ी सी भी अप्लाई, हाँ, कर ऐसे सकता भी है? हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, वैसे हम लोग थोड़ा सा प्रेफर करते हैं क्लम्पी लुक ना आए, थोड़ा सा इंडिविजुअल छोड़ छोड़ के उसको जो है वो लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं सेटिस्फाई होते तो वो कहते हैं हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे दिए, हमें ज्यादा ज्यादा फिल कर दे, ये चीज भी होती है। अच्छा, अगर आप इजाजत दो तो हम बिफोर एक आंख को देख सकते हैं कि एक आंख हमारी जो डन होगी वो कैसी है और जो रह गई है वो कैसी है? अभी ओपन नहीं कर सकते हम। अच्छा, ठीक है, अभी नहीं, ये पूरी हो जाएंगी, उसके बाद उसको 2 मिनट का वेट करा के फिर ओपन करवाएंगे। ठीक है, तो जब तक ये एक आंख पूरी हो रही है हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम देख सकेंगे कि एक आंख जिसपे लैशेज अप्लाई हुई है वो कैसी लगती है और जिसपे नहीं हुई हुई वो कैसी लग रही है। आज हम बल्कि दिखाते भी हैं इस ट्रीटमेंट के बड़े इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं, वो सारे लोग जो एक क्विक फिक्स ट्रीटमेंट चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट ट्रीटमेंट, इट्स कॉल्ड डर्मा प्लानिंग। डर्मा प्लानिंग, यस, डर्मा प्लानिंग इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसमें एक हम थोड़ा सा सर्जिकली एक ब्लेड यूज करते हैं। इट्स डिफरेंट फ्रॉम, ये ना समझे कि शेव है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ना, अक्सर लोग समझते हैं शेव कर रहे हैं, हमारी शेव नहीं है क्योंकि उसका रेजर होता है और वो जरा थिक होता है, तो इसमें एक स्कॉल्पेल बड़ा फाइन ब्लेड यूज होता है। उसमें जितना भी आपका पीच फर्ज एक टर्म होती है, ये जो फाइन हेयर होता है, जैसे अभी मैंने इनको बिठाया हुआ है, हमने ऑडियंस में से इन्हें पिक किया, हाँ ठीक है, इन पे दिखाते हैं, मैं भी इनका बिफोर एंड आफ्टर दिखाती हूँ और शुरू करती हूँ, लेकिन इससे पहले सर जरा हम पाउटी लिप्स हैं अंबर के वो देख लें। अंबर, उसकी क्या टिप है? देखो, बेसिक जो हमारी लिप है ना, ये हमने इनके यहाँ कम था, मैंने थोड़ा सा ऊपर से लिया। ठीक है, अच्छा, अब लिपस्टिक ज़्यादातर लोग ऐसे लगे, देखो ये आके ना ये लगाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अब यहाँ से इसको चौड़े करूँगी। ठीक है, मेरी आउटर जो लाइन है लिप्स की उसको आपने डार्क कर लिया। अभी लिप ब्रश से करूँगी क्योंकि ये इससे ज़रा अभी मैं इसको सही, ये मैं करूँगी, मैंने अंदर, ये अंदर जा रहा है, इसे मैं बाहर करूँगी, ये
अंबर देखें हमारे कहता है ये अब एक नेचुरल लाइन जो है ना ये आपको मिल गई. अब आप लिपस्टिक लगाएं इसके ऊपर बेफिक्र होकर. तो मैंने पहले किया ना, मैंने बेस लगाया, पाउडर लगा चुकी. अच्छा अब लगाओ ना, अब लगाओ. अच्छा। इसके ऊपर हम लिपस्टिक लगा रहे हैं. अब खुद एक्सप्लेन कर दो अपने लफ्जों में कि पहले आपने नीचे लाइन लगाई, आपने अपनी जो नेचुरल लाइन है ना उसको दबाना है. ठीक है, आपने बेस लगाना है. ठीक है, बेस लगाया. आपने होठों पे भी बेस लगाना है और उसको कॉम्पैक्ट पाउडर से या लूज पाउडर से आप टैप करेंगे. कर देंगे. तो अब क्या कोई लाइन प्रोमिनेंट नहीं है ताकि ऊपर नीचे झलके नहीं. फिर आपने गहरी लाइन आउटर शेप पे लगा दी, वो मैंने उसके ऊपर फिर पाउडर लगा दिया ताकि वो एक दब जाए. अब उसके ऊपर आप भर के लिपस्टिक जो मैं उसको करके और फिर उसको दोबारा फाइन ब्रश से ना करूंगी इनको. जैसे ये तो इससे लिपस्टिक लिप्स जो है अगर पतले भी हैं तो एनहांस और मोटे लगेंगे. बेसिकली ये होता है, ये देखो एक ये बनाते हैं लिप्स, ये मैं सिर्फ बताने के लिए. ठीक है, ये नीचे लगते ये होट. अब ये मैं यहाँ तक लाऊंगी. ठीक है, पहले पतले बनाऊंगी फिर मैं मोटे बनाऊंगी. ठीक है, जो आपने बताया है मेरा ही, इसके अलावा भी किसी तरह से हम अपने होठों को रेड कर सकते हैं. हाँ, पिंक लगे बिल्कुल. वो हम बनाते हैं स्टेनर्स होते हैं. हाँ? चीक स्टेन है या लिप स्टेन है, वो बहुत आसानी से फूड कलर से भी बना सकते हैं. आइए हम बनाना शुरू करते हैं कि किस तरह से हम फौरी तौर पर एक लिप स्टेनर ऐसा बना सकते हैं जो ज़्यादा देर तक हमारे लिप्स के ऊपर रहे और ज़्यादा देर हमारे लिप्स को जो है ना, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो वक्ती तौर पे पिंक करे, लेकिन हमारे होठों का रंग जिनका काला होता है वो किसी तरह से वापस दोबारा गुलाबी होना शुरू हो जाए, नेचुरली हो जाता है. अच्छा, उसके लिए हमें मोम चाहिए. ठीक है, मतलब बीज वैक्स ले लें आप, नहीं है तो कोई मसला नहीं है. आप घर में मोम बत्ती होती है, वैक्स कोई सा भी वैक्स ले लें आप ज़रा सा. ठीक है, और ये भी बहुत थोड़ा सा डालेंगे. ठीक, और ये भी ना डाले तो उसका भी आसान सा हल बताऊँ. ये मोमी कलर होते हैं. ठीक है, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं रेड कलर ले रही हूँ और इस रेड कलर को हम खोल के ये जो जो वैक्स वैक्स है क्रायोन्स होते हैं. हाँ बिल्कुल, तो इनको हमने खोल के इसके अंदर डाल देना है. बिल्कुल, इसको डाल देना है. इसमें हम मिलाएंगे, मैं इसको कर रहा हूँ. ठीक है, और इसको लिप्स पे लगा लेना है. इसको ये जो इसकी खास बात ये है कि लिप्स पे भी लगा सकते हैं और चीक्स पे भी लगा सकते हैं. ठीक है, और ये बड़ा लास्ट लगेगा नहीं कि मेकअप किया हुआ है. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसे लगा सकते हैं और ये जैसे बिल्कुल नेचुरल है. अच्छा, इसमें हम डालेंगे बादाम का तेल. ठीक है, जैसे आपने हाफ कलर लिया है उसमें 1 टीस्पून के करीब बादाम का तेल डालेंगे. ठीक है, ये मिक्स हो जाएगा बिल्कुल आराम से हो जाएगा. और ये देखिए ये एक लाल रंग का महलूल जो है वो अंदर सारा बन गया. जरा सा डालेंगे हम. आप डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हैं ग्लिसरीन. ठीक है, अच्छा इसमें ख़ास बात यह है कि जब डिफरेंट कलर आप यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर सिर्फ रेड कलर नहीं होती डाले, आप पिंक कलर भी कर सकते हैं, आप इसमें ऑरेंज कलर भी कर सकते हैं. तो ये मैं इसमें निकालूं? हाँ बिल्कुल निकालें. और ये तैयार हो गया? बिल्कुल. ठीक है, अच्छा इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा सेटल हो जाए. ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा हमने ऑयल डालना है, इससे कि अगर ऑयल नहीं डालेंगे तो ये बिल्कुल जम जाएगा. ठीक है, तो लगाना मुश्किल होगा. देखिए अभी भी इसमें ज़्यादा अगर हार्ड हो रहा है तो आप इसमें ऑयल की क्वांटिटी बढ़ा दें. ठीक है, तो तेल जो हमने बादाम का डाला है, बादाम का डालें या कोकोनट ऑयल डालें. ठीक है, और इसको जब आप लगाएंगे तो ये बड़ा ज़बरदस्त आपका आएगा कलर. और ये कलर जो है ये आप अपने ये लगा सकते हैं. जैसे बच्चियों को, छोटी बच्चियों को भी बड़ा शौक होता है और घर वाले उनको मेकअप नहीं करने देते, तो आप उन बच्चियों को भी लगा सकते हैं. या खुद आपने किसी ऐसी महफिल में किसी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ आप चाह रहे हैं कि ये ना पता चले कि आपने कुछ लगाया हुआ है. ये देखें बस एक हल्का सा जो है, अगर आप चीक्स पे ऐसे लगा लेंगे तो चीक्स रेड लगेंगे. इसको लगा के आपने कर दिया, इसके ऊपर आपने कॉम्पैक्ट लगा लिया, ये बिल्कुल आपका नेचुरल चीक कलर. बिल्कुल एक ऐसा रेडिश सा आपका रेड कर लें, ऑरेंज कर लें, पिंक कर लें, वो आप अपनी मर्जी से बना के रख सकते हैं. और ये काफ़ी देर स्टे भी करता है. इसमें अगर आप मोम भी इस्तेमाल नहीं करें तो मोमी कलर जो होता है, ठीक है, तो वो उसकी वजह से आप हर तरह का कलर बना सकते. अच्छा, नेचुरली स्किन को वाइट करने के लिए और ग्लोइंग करने के लिए भी आप हमें क्या बताएंगे कि अगर हम चाहें कि हम दिन ब दिन रंग जो है हमारा निखरता चला जाए, जो एक्नी के स्पॉट्स हम खत्म हो जाएं, कील वहाँ से खत्म हो जाएं, चेहरा जो है वो एकदम से निखर आए, तो मैंने हाँ बिल्कुल वाइटनिंग के लिए मैंने अभी आपको बताया था, वाइटनिंग के लिए और लिफ्टिंग के लिए भी. ठीक है, जो चावल का पानी था और एक अभी आके एक्नी के निशान ख़त्म हो जाए, एक्नी ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक चीज़ है, ये इसको कहते हैं मुर्दार संग. क्या कहते हैं? मुर्दार संग. मुर्दार संग कहते हैं अंबर इसको. और ये बड़ा कमाल का मुर्दार संग. मुर्दार
यानी मुर्दा पत्थर, मुर्दा पत्थर तो मुर्दा पत्थर जो है जिंदा मतलब जान डाल देता है। ये बढ़ा हुआ गोश्त जो होता है, जो आप अगर ऑपरेशन हुआ है ऊपर नीचे गोश्त हो जाता है, सर्जरी या जलेवे के बाद जो निशान होते हैं, या गढ़े जो होते हैं एक्नी के जो गढ़े होते हैं, एक्नी के जो गढ़े होते हैं, या चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स के जो गढ़े चेचक के जो निशान होते हैं, उन सबको भरता है। अच्छा सर, ये बिल्कुल ये बेतहाशा तरीकों से इस्तेमाल होता है। अभी हमने क्या किया, मुर्दार संग क्या लग रहा है, इसके साथ हम मिला रहे हैं मूली के पत्तों का पेस्ट, मूली के पत्तों का पेस्ट जो आम सिंपल बिल्कुल यहाँ से मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। ये आम मूली के पत्ते जो हम निकाल के फेंक देते हैं, हमने मूली के पत्तों को लिया धो के उनका पेस्ट बना लिया, बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाएंगे। और इसमें हम डालेंगे यही खीरे का पानी, ठीक है, एक खीरे का थोड़ा सा पानी जो है वो भी हमने डाल लिया। अच्छा इसका तरीका ये, और इसका आसान सा तरीका एक और बताऊं मैं आपको कि आपने मूली के पत्तों को सुखा लिया, सुखा के उसका भी आपने पाउडर बनाया, मुर्दार संग तो होता ही पाउडर है, दोनों का मिक्स करके रख लिया। आपने खीरे का जूस लेके या खीरे का पानी बना के और इसको मिक्स किया, और उसके बाद जो है ना इसको फेस के ऊपर लगा लिया, पूरे फेस पे या जहाँ जहाँ एक्नी के दाग धब्बे पूरे पे लगा लिया, स्किन बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। अच्छा और अच्छा इसका जो खास कमाल होता है वो ये होता है कि सबसे पहले 3 से 4 दिन में हर तरह की एक्नी को सुखा देते हैं। अरे अगर दाने एक्टिव है, निकले हुए हैं, हर तरह की किसी भी तनाव, चाहे एज मतलब यंग एज है या बीमारी की वजह से, बाजू का 40 साल के बाद भी निकल रही होती है, ड्राइनेस है या ऑयली स्किन, पहले दानों को सुखाता है ये, और उसके बाद क्या करता है कि पहले दाने सूख जाएंगे फिर ये गढ़ों को भरना शुरू करता है। अच्छा तो ये कितनी दफा लगाना है? रोजाना एक दफा, हर रोज एक दफा। अच्छा इसकी दूसरी बात ये कि इसको जब लगाते चिपक जाता है, बिल्कुल फाइन पाउडर होगा ये चिपक जाता है, तो इसको आपने रगड़ के नहीं धोना, ये बिल्कुल काट देता है। अच्छा इसको आपने सादे पानी से वॉश करना है, अगर चिपक जाए तो आपने कोई फेस वॉश लिया, हल्का सा लगाया और फिर वॉश किया, ठीक है, इसको रगड़ा नहीं जाता, ठीक है, वरना फेस पे खराशें पड़ जाएंगी। वो लोग जो कोई ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके गढ़े नहीं खत्म हो रहे हैं, जो निशानों से परेशान है, इसको लगाना शुरू करें, 1 महीने में इतना वाज़े आपको फर्क नजर आएगा कि आप। चलें जी, आपने जरूर हमारी फेसबुक पे रब्ता करके फैन पेज पे बताना है कि विदाउट कॉम विदाउट पिंस मैं का थोड़ा हेयर स्टाइल भी कोशिश करूं। कोई पिन में बात है, इनके देखो लिप्स, देखो तुमने देखा लिप्स? हाँ मैंने लिप्स देखे हैं, और उसके साथ भी जैसे अपने होंठों के ऐसे ऐसे करके मोटे बना लिए इनके, यूं करके बैठी है ना वो भी, और इतने बारीक होंठ थे आपके, याद है आपको, और कितने अंबर ने खूबसूरत आपको जो है वो एक लुक दे दी है यहाँ पे, जिसमें जवान लग रही है वैसे माशाल्लाह, सॉरी जवान है आप लेकिन आप मजीद लग रही है, माइंड निकल जाएगा। सही से ये मेकअप के जरिए से फेशियल फ्लॉज या वो हमारे छोटे छोटे मसल हमें तंग कर रहे होते हैं, हमने उसका एक तरीका जो है वो आपके साथ शेयर किया। अच्छा मेरा ही लाइएगा, अंबर आइएगा, चले सैरिश के पास हम जाएंगे, और ये कौन सा प्रोसीजर था भला? डर्मा प्लानिंग कहते हैं, बेसिकली जब पहले मैं अगर आप इजाजत दो तो मैं कैमरे में दिखाना चाहूंगी ताकि कैमरा देख सके कि जिस प्रॉब्लम को हम ट्रीट करने जा रहे हैं वो क्या है। जी इधर आप दिखाएंगे, ये बच्चों के अमूमन बच्चियों के चेहरों पे रुआ होता है, रुआ ये जो वेलस हेयर होता है उसके लिए भी है, बालों के अलावा ये फिजिकल एक्सफोलिएशन है स्किन की। अच्छा। जिस तरह केमिकल पील्स करते हैं ना तो वो केमिकल के थ्रू पीलिंग होती है। हाँ। तो और क्योंकि ज्यादातर जो यूनिवर्सिटी गोइंग या कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती है, इवन स्कूल गोइंग, तो वो क्या करती है अपना फेस सही से वॉश नहीं करते और उन पे क्लॉग्स हो जाते हैं, जो उनके पोर्स हैं बिल्डअप हो जाता है पूरा, तो एक डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा और सेफ ट्रीटमेंट है। बाल अगर उतरेंगे तो मोटे तो नहीं, बिल्कुल मैं वही चीज एक्सप्लेन कर रही थी, इट्स नॉट अ शेव, इट्स नॉट शेव, इसमें बिल्कुल रेजर नहीं हो रहा, रेजर नहीं हो रहा, ठीक है। चलें बैठ के अब शुरू करें, ताकि क्या हम स्टूल आगे रख के कर सकते हैं, ठीक है। अंबर थोड़ी देर आएंगी साथ आप, फिर उसके बाद मैं आपको रुखसत करूंगी, ठीक है। चलें मैंने क्योंकि अभी वन साइड पे स्टार्ट कर दिया था और ये लेफ्ट वाली साइड पे भी रहता है, ठीक है, ठीक है। और इसपे डेड सेल्स ना बिल्कुल आपको नजर आते हैं इसपे उतरे, तो ये क्या बाल निकाल रहे हो? नहीं बाल नहीं निकाल रहे, हमारा फोकस स्किन है, डेड स्किन, ये ठीक है, स्किन हर्ट तो नहीं होती है, सेंसिटिव तो नहीं हो जाएगी? नहीं बिल्कुल भी नहीं, और हम बहुत सुपरफेशियल हैं इसमें। अच्छा सैरिश जो है वो अब इस पे डर्मा प्लानिंग करें, और आप देख सकते हैं इसके अंदर नजर आ रही है सारी, ठीक है, डेड एक्सफोलिएशन। स्क्रब नहीं करती हो ना? ठीक है। अगर करती तो नौबत नहीं आती। पर आज हमारे जो जितने भी मॉडल्स है ना वो, मैं वही कह रही हूँ, हमें सारी अच्छी अच्छी मिल रही है स्किन, मतलब अगर और कोई डैमेज होती ना तो हम उस पर ज्यादा शो करके कर सकते थे। किस तरह की स्किन के ऊपर ये वाला प्रोसीजर जो है ये होगा? एक्टिव एक्ने पे नहीं हो सकता, उसके अलावा ऑल टाइप्स ऑफ, और प्लीज घर में तो नहीं करें लोग, घर में नहीं कर सकते, प्लीज बता दो, घर में नहीं आपने करना, ठीक है, इट्स अ प्रोफेशनल ट्रीटमेंट, ठीक है इसको। लेकिन अब इसके इससे हमें इफेक्ट क्या मिलने वाला है? अभी आप देखेंगे इसका रिजल्ट, फॉरन ग्लो सारी नीड स्किन। अच्छा। और इसके बाद इसका होम केयर अगर ये यूज करती है जैसे सीरम्स वगैरह या सनब्लॉक भी, तो उसकी पेनिट्रेशन बड़ी अच्छी होती है। और अगर बाल है तो वो भी शेव हो जाएंगे, वो तो
इससे हट जाएंगे नहीं थिक हेयर नहीं थिक हेयर नहीं थिन हो जाएंगे ना। चलिए सारी शब्द की कर रही हैं और ब्रेक पे हम जाएंगे ब्रेक के बाद हम आएंगे तो दूर से नजर देखेंगे। हाँ सर अंबर तो इन्हीं को ही देखी जा रही है। अच्छा चलिए जी ब्रेक लेंगे यहाँ पे और ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं फिर वापस। वेलकम बैक। आज हम आपको बता रहे हैं सदाबहार हुस्न और खूबसूरती के राज। और सदाबहार का मतलब है एक ऐसी चीज जो कि जरा लंबे अरसे तक आपके ऊपर रहे। आई लैशेज हमने अप्लाई किए हैं सैरिश ने और कितनी नेचुरल लग रही है यार, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैंने खुद अपनी आंखों से लगते हुए देखी है, मगर मैं भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि लैशेज लगी हैं। इतनी नेचुरल हैं, किसी मस्कारे की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि बस आप लैशेज लगवाएं, यू आर गुड टू गो। आप जाएं और इन्जॉय करें, हैव फन देन। क्या बात है सैरिश, बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप बैठेंगी। अच्छा अब इनके ऊपर हम क्या करने वाले हैं आजकल? मैंने सुना है आप ग्लूटाथियॉन जो है वो कुछ फेस पे भी लगा रही हैं। जी, ग्लूटाथियॉन बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है जो रंग गोरा करने वाले जो लोग इंजेक्शंस लगवाते हैं, कुछ पेशेंट्स कहते थे कि अच्छे पेशेंट्स की डिमांड भी थी और फिर इवेंचुअली वी गॉट दिस ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एमप्यूज जो हम फेस पे लगा सकते हैं, क्योंकि जो बॉडी के अंदर लगेगा वो डिफरेंट है। ठीक है, वो तो एक गोरा रंग करने वाला ग्लूटाथियॉन है जो आई वी लगता है, और जो फेस पे लगाने वाला एमप्यूल होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो फेस पे लगाने वाला एमप्यूल है वो मैं दिखा देती हूँ। इससे फर्क कितना पड़ेगा, क्या ये एकदम से गोरी हो जाएंगी या इनका? अभी जो इनको फर्क पड़ेगा वो वन टोन लाइटर होगा। ठीक है, और विद सेशंस और मजीद लाइटनिंग होती जाएगी, चली जाएगी। तो अब हम इनके ऊपर अप्लाई करने लगे हैं बिल्कुल ग्लूटाथियॉन, और हम इसको पेनिट्रेट करवाने लगे हैं। हम इसको इंजेक्ट नहीं कर रहे नीडल से, क्योंकि अब बहुत एडवांस चीजें आ गई हैं, हमारे पास मीजो नीडल्स आ गई हैं। मीजो नीडल से ये होता है कि पेशेंट को पेन नहीं होती और ब्लीडिंग नहीं होती है, और वो जो हमारा मकसद है उसको स्किन में पेनिट्रेट करवाने का वो भी पूरा हो जाता है। बिल्कुल सही। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इनके चेहरे के ऊपर रंग इनका जो है वो एकदम से आपको गोरा लगेगा या नहीं लगेगा ये आप लोगों ने हमें बताना है अभी देख के। अच्छा, इसका एक फायदा ये भी होता है, वो सारे लोग जो पसंद नहीं करते, केयरलेस होते हैं, स्पेशली जो लड़के होते हैं और कहते हैं हम रोज क्रीमें या सीरम्स नहीं लगा सकते, हमें आदत ही नहीं है, हम नहीं लगा सकते, तो इसका ये फायदा है कि हम लगा देते हैं। ठीक है, मतलब वो अंदर चला जाता है और वो कुछ अरसे तक लास्ट करता है। बिल्कुल सही। तो अगर आप खुद बहुत लापरवाह हैं भी जी, तो एक महीने में ऐसा ट्रीटमेंट जो है ये आपकी मेंटेनेंस के लिए काफी है। बिल्कुल ठीक है, तो ये अब आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली मैंने क्या किया, एक ड्रॉपलेट फॉर्म में इंजेक्शन को किया है। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं। तो और उसके बाद मैं इसे पेनिट्रेट करा रही हूँ। अगर आप इन नीडल्स को देखें, आपको नजर आ रही है, ये 12 नीडल्स है। अच्छा, बारीक, बहुत टाइनी सी है। तो बहुत टाइनी है, कैन यू सी इट? नो आई कांट, मेरा कैमरा शायद देख सके। इसको अगर बंद करेंगे, ऑफ कर सकते हैं, फिर अंदर चली जाएंगी। अच्छा, तो ये कैमरा, हाँ साइड से करके देखो तो फिर नजर आती है। ये प्लास्टिक नीडल्स है, बेसिकली 12 नीडल्स है। ये ऐसे करके देख रहे हैं, ब्रश की तरह के जो रेशे हैं, ये नीडल्स है। तो ये बहुत बारीक, बहुत बारीक है, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग और इस तरह की चीज नहीं होगी। लाइट सी रेडनेस कुछ सेंसिटिव स्किन पे आ सकती है। ठीक है, ठीक है, लेकिन उस तरह से आपकी ब्लीडिंग वगैरह नहीं होगी। तो कहने का मकसद ये है कि प्रोसीजर बहुत कंफर्टेबल है। ठीक है, यानी ग्लूटाथियॉन आप सुपरफिशियली अप्लाई कर रही हैं। जी, उसके बाद आप उसको इस अपने इक्विपमेंट के जरिए से आप उसे इन्फ्यूज करवा रही हूं कि वो अंदर चला जाए, अंदर चला जाए। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फायदे हैं इस टेक्निक के। ग्लूटाथियॉन के अलावा विटामिन सी, जितने भी कॉकटेल्स हैं जैसे आर्जिलिन है या कुछ पेप्टाइड्स है, उनको हम अपने जैसे बुटॉक्स नहीं कराना ना किसी ने, इंजेक्शन नहीं कराने, हर कोई इंजेक्शन का पेशेंट नहीं है, तो इस तरह के पेप्टाइड्स को आपके रिंकल्स और लाइंस पे भी ये चीज कर सकते हैं, और उससे लाइंस वो जो है थोड़ी अरसे के लिए बिल्कुल खत्म हो, स्मूथ आउट हो जाती जी। ठीक है, सही। तो जो लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट में नहीं जाना चाहते और वो नहीं चाहते कि इंजेक्शन लगवाएं या बुटॉक्स करवाएं, ये और एक्सपेंसिव भी होते हैं और फिर हो सकता है सही ना लगे, कोई साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, तो वो नेचुरली इस तरह की नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट जो है जिसमें आपकी स्किन के अंदर कोई चीज घुस नहीं रही है सिवाय इस ग्लूटाथियॉन के जो कि ये सैरिश इन्फ्यूज कर रही है। बिल्कुल, और कुछ लोग कहते हैं कि हमारी स्किन पे हमने ये प्रोडक्ट यूज किया है, इतना अरसा हो गया, इस क्रीम ने काम नहीं किया, तो उनके लिए भी इस तरह के ट्रीटमेंट्स जो है ना वो काफी एक बेनिफिशियल होता है। बिल्कुल ठीक है, और इसके बाद आप फौरी तौर पे कहीं जा सकते हैं कि रेडनेस रहेगी एक दिन पहले करवाना चाहिए? एक या दो घंटे के बाद आप जा सकते हैं, मतलब ये जो रेडनेस होती भी है ना तो 1-2 आवर्स लास्ट करती है, इससे ज्यादा नहीं करती। और
इसका रिजल्ट जो है वो कितने अरसे तक एक अच्छी स्किन पे रहेगा? आपने बताया 2-3 महीने भी चल जाएगा। बिल्कुल 2-3 महीने चलेगा, लेकिन अगर आप पूरे सेशंस लेते हैं, पूरा प्रॉपर प्लान के साथ चलते हैं विद नाइस होम केयर, देखिए सन एक्सपोजर को आप जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, या आप अपने अच्छे सीरम्स घर में भी यूज करते हैं, तो आप रिजल्ट्स को लॉन्गर लास्टिंग के लिए लेके चल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो एक साइड कम्प्लीट होगी सरिश? ऑलमोस्ट ठीक है। तो अगर आप इजाजत दो, इससे पहले कि आप यहाँ पे अप्लाई करो, मैं इनको बिठा के थोड़ी देर के लिए कैमरे पे दोनों साइड्स का जो फर्क है ना वो हम देख सकें कि एक साइड कौन सी साइड है जिसपे, इस साइड पे हमने अप्लाई किया है अभी प्रोसीजर, और ये वाली साइड है जिसपे कि हमने नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि फौरी तौर पर एक जो है स्किन के ऊपर लग रहा है कि कुछ ग्लो सा, कुछ थोड़ा सा, क्योंकि कोलेजन स्टिमुलेशन होती है बेसिकली, और नीडल्स का ऑब्वियसली एक इफेक्ट तो रेडनेस वाला होगा, और ये अभी इस शो खत्म होने से पहले खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। जब तक आप इनका प्रोसीजर करती हैं, मैं जरा उमेरा हील के पास कुछ नुस्खे जो है, अभी आप एक मास्क का बता रही थी जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि ये एक ऐसा मास्क होगा जिसको स्क्रब होगा, जिसको अप्लाई करने से ब्लैक हेड्स खत्म होंगे, व्हाइट हेड्स खत्म होंगे, और झाइयां जो है वो भी लाइट होंगी, स्किन एक जो है वो स्मूथ। और बड़ा ही आसान सा, इसमें आपने कॉफी लेनी है ओके, और ये चावल का आटा, ठीक है, बस ये दोनों चीजें आपने मिलानी है। एक्सपायर्ड कॉफी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कुछ भी हो जो आपके इस्तेमाल नहीं हो रही, जम जाती है उसको निकाल लें, क्रश कर लें, और इसमें डालेंगे 1 पिंच हल्दी, ठीक है, कॉफी, चावलों का आटा और हल्दी। अच्छा, ये बना के आपने पाउडर रख लिया। अब करना क्या है, जब भी आपको स्क्रब करना है या कोई जैसे आपने इस्तेमाल करना है, इसमें आप मिलाएंगे कोकोनट, मैं इसको कर देती हूँ, ठीक है, इसमें कोकोनट थोड़ा सा हमने निकाला, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल मिलाया, नारियल का तेल, अच्छा, और इसका पेस्ट बना लिया, ठीक है, और इससे करना है स्क्रबिंग, ठीक है, और जैसे आप लगा के हल्का सा मसाज करेंगे, मसाज करने के बाद जो है इसको ठीक है, फिर इसके यहाँ पे मसाज करें तो क्या होगा, थोड़े से ग्रेनुलर्स हार्ड है, लेकिन इसको हल्का 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 आप करते चले जाएं, करते चले जाएं, खासकर जहाँ पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हैं या आपकी फ्रेकल्स हैं, इसको आपने मसाज करना है, और बेस्ट टाइम तो ये कि आपने रात को करना है, और सिर्फ सादे पानी से वॉश करना है। अच्छा, कोई खुशबू कितने मजे की आ रही है ना, कोकोनट है, कॉफी है, इसको आप हल्का सा करेंगे, और जब आप सुबह उठ के दोबारा इसको अगेन किसी फेस वॉश के साथ वॉश करेंगे तो स्किन एकदम आपकी स्मूथ और साफ होगी। बिल्कुल सही। तो मतलब जो स्पॉट्स हैं, जो फ्रेकल्स हैं, वो आपके फौरन लाइट होना शुरू हो जाएंगे, और आपके व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स तो फर्स्ट आपके ना वॉश में खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वजन कम करना हो आपने, आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, तो उमेरा हील क्या करें कि आप एकदम से अपनी किसी पुराने ड्रेस में फिट इन हो सकें, या आप एकदम से खूबसूरत लग सके, तो फिर क्या करें? देखिए, अच्छा इस पर तो मेरे पास सामान नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ। एक तो ये मेथी दाना, ये बहुत आजकल चल रहा है, कॉमन है कि आपने रात को 1 टीस्पून भिगोया है और सुबह इसका पानी पी लिया है, ठीक है, सिर्फ पानी, सिर्फ पानी पीना है। दूसरा जो है 5 से 6 चीज़ें होती हैं, उसमें जो आपका कलौंजी है, बरगे सुदाब है, लाख दाना है, और पहाड़ी पुदीना है, ठीक है, और बड़ी हड़ है, ठीक है, 5 चीज़ें हैं ये। इसका आपने पाउडर बना लिया, ठीक है, और ये जो है आपने सुबह 1 चम्मच गर्म पानी के साथ, और रात को सोते वक्त 1 चम्मच टीस्पून गर्म पानी के साथ इसको आपने खाना है, ठीक है, तो ये बहुत तेजी के साथ आपका जो वजन है, वजन है उसको कम करता है। ये सारी चीजें रखी हुई है किस चीज के लिए? ये बालों के लिए है। अच्छा अच्छा, बालों के अभी वो केराटिन ट्रीटमेंट हो रहा है। एक चीज आपको मैं बड़ी मजे की बताऊं, ये है खतमी, खतमी ये दाना होते हैं, बीज होते हैं, खतमी कहलाते हैं, ठीक है। जब हम पानी को थोड़ा गर्म करके इसको डालते हैं, खतमी को हम भिगोते हैं इस पगोल के साथ, ठीक है, तो बड़ा जबरदस्त सा ना लेसदार सा पानी बन जाता है, ठीक है, और इसको इस तरह बालों में लगाते हैं, लगा के आपने थोड़ा सा अच्छी तरह से बारीक कंघी जो है उससे कंघा कर लिया और छोड़ दिया, और हफ्ते में 2 से 3 बार लगाते हैं तो बाल नेचुरली स्ट्रेट हो जाते हैं। अच्छा, तो ये बालों को स्ट्रेट करने के होते हैं, मतलब जो फ्रिजी हेयर्स हैं उनको नेचुरली, मतलब एक स्मूथनेस के लिए और स्ट्रेटनिंग के लिए जो है हम खतमी और इस्पगोल, इसको लगा के सोचा इस्पगोल का निकालना मुश्किल होता है, तो उसको सीधे उंगलियों से आप वॉश करते जाएंगे और स्ट्रेट करते जाएंगे, ठीक है, तो वो बाल कुछ ही वॉश के बाद स्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग उसको तुख मलंगा को भी यूज करते हैं, कि उसको भी थोड़ा भिगो दें पानी में, फिर उसको भी अच्छी तरह बालों पे रख करके निकाल लें, जो लेस सा बन जाता है इसमें, खतमी जो है ना बहुत इफेक्टिव है, ठीक है, इसका जो लेस है वो बड़ा ही जबरदस्त होता है, ठीक है, और एकदम से स्मूथ कर देता है। अच्छा, भिंडी भी तो इसी तरह से, भिंडी का भी कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन भिंडी बहुत ज्यादा है सीजन में, घरों में अक्सर पकड़ी होती है, तो भिंडी का आगे पीछे वाले पोर्शन है वो काट के रख लें, उसका पानी बना के रख लें, अल्सर के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए,
टाइटनिंग के लिए, फेस लिफ्ट के लिए, बालों को स्मूथ आउट करने के लिए, बालों को स्मूथ करने के लिए, तमाम चीजों के लिए भिंडी का पानी, बिल्कुल चावल का पानी रखें, गर्मियों में चावल बहुत बनते हैं, भिंडी का पानी रखें, भिंडी के पानी बना के रख लें तो वो बहुत अच्छा है कि जब तक आप जाएंगे कोई ट्रीटमेंट लेंगे तो घर में छोटी मोटी चीजें कर सकते हैं और ये फायदा पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही सरिश, देख लें आपके कीमती कीमती जो है ना चीजें उनका ना सस्ता सस्ता सा रिप्लेसमेंट जरूर ढूंढनी है। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्या, मेरा कंप्लीट हो गया ट्रीटमेंट, बिल्कुल सही, हम उसको तो देखेंगे, लेकिन इनको आपने ये कौन सा मास्क लगा के बिठाया हुआ है? इनको हमने मैग्नेटिक मास्क लगाया हुआ है, ठीक है? और मैग्नेटिक मास्क का मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक मास्क का मतलब ये होता है कि उमेरा इनको खींचेगा भी अपनी तरफ, वो खींचता है हमेशा। अच्छा, इनको वाकई खींचता है। अच्छा, सरिश को पता है मुझे हमेशा खींचता है। अच्छा, मैग्नेटिक मास्क बेसिकली डेड सी से बना हुआ है और इट्स फुल ऑफ ऑल द मिनरल्स जो हमारी स्किन को एक न्यूट्रिशनल चीजें चाहिए होती है, उसके अंदर वो सारे मिनरल्स मौजूद हैं। ठीक है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक मास्क, इसका नाम भी इसलिए है क्योंकि ये मैग्नेट से रिमूव होता है, सिर्फ। अच्छा, हाँ। अब वैसे अगर रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो ये बड़ा मेस्ड अप हो जाएगा। ठीक है, सो इट्स बेटर टू रिमूव इट विद द क्लीन वे। इसका मतलब है कि इसके अंदर कितने ऐसे मिनरल्स और जिसे कहते हैं मेटल्स होंगी जिसको अट्रैक्ट करती है, जो जिसको मकनातीस जो है वो अपने साथ खींच के उतारता है, बिल्कुल। अदरवाइज स्किन का जितना डेब्रिस जितना वो है वो उतर जाता है, एज यू कैन सी हियर। तो इससे स्किन पे क्या इफेक्ट आता है? अभी इफेक्ट आपके सामने आएगा, इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा और इंस्टेंट है। उतारना कितना मजे का इसका, इसीलिए मुझे अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, ये वाकई मैग्नेट है? Yes. और ये किसी और चीज से उतारने की कोशिश करें ऐसे तो नहीं उतरेगा? नहीं उतरेगा, सिर्फ मैग्नेट से उतरेगा। ठीक है, और ये हर तरह की स्किन के ऊपर ये वाला मास्क जो है ये अप्लाई करें? ये वैसे बहुत एंटी एजिंग टाइप की स्किन के लिए बहुत, मतलब उस इफेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, सिवाय एक्टिव एक्नी, यानी कि जो आपकी पस्टुलर एक्नी है उस पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी रीजन ये होती है इसमें ऑयल भी होता है। ठीक है, और मैग्नेटिक मास्क जो है अप्लाई करने के बाद फिर उसे थोड़ी देर छोड़ा, ठीक है, और उसके बाद हमने इसको रिमूव कर लिया। ये वर्ल्ड वाइड मास्क बड़ा फेमस है, इसके रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे लोग थे, बड़े क्रेजी हैं, बड़े लाउड शाउट आउट्स हैं उनके इसके बारे में, और इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो शामिल हैं। Exactly. So, गुड के पाकिस्तान में अवेलेबल है और हम इस तरह के ट्रीटमेंट्स जो कि पूरी दुनिया में टेस्टेड एंड ट्राइड या फिर आजकल इन जो होते हैं चीजें वो अगर मिल जाती हैं पाकिस्तान में तो बड़ी बात है सरिश, वरना कुछ अरसे पहले तक कुछ भी नहीं, आपको नहीं मिलता था, आपको जाना पड़ता था ज्यादातर। मेरी जो पुरानी आईब्रोज की आती है पेशेंट, वो कहती है हमने पहले बाहर से कराई थी अब आपसे करा रहे। यहाँ पे मेरे ख्याल बहुत सारे लोगों को अब अवेयरनेस भी होगी और ट्रेंड भी है, ट्रेंड भी है, लोग कर भी लेते हैं और करना भी चाहिए। अब उनकी लैशेज इतनी अच्छी लग रही है कि सीरियसली मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, मैं बहुत ज़्यादा एडमायर कर रही हूँ कि अगर आप मतलब थोड़ा सा हैसल उठा सकते हैं कि पानी का ज़रा नहीं इस्तेमाल इतना खुला करना, तो आप कम से कम एक दो महीने के लिए लैशेज अप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से फिर ये रिमूव हो रहा है, सर्दियों में करवा लेना चाहिए। इससे ग्लो आ जाएगा? अभी आएगा, बिल्कुल जी, खुश आमदीद। अच्छा, आज हम बात करें सदाबहार खूबसूरती के राज। तो एक बहुत ज्यादा आजकल जो ट्रीटमेंट है जिसका बड़ा तस्करा हो रहा है, हाइफू और आरएफ ट्रीटमेंट्स, बिल्कुल क्या ख्याल है उस पे? उसको भी ना हम दिखाएं अपने व्यूअर्स को। बिल्कुल, हम उसको दिखा सकते हैं और हम अपने कुछ अच्छे वॉलंटियर पेशेंट्स पे इसको करके डेमोंस्ट्रेट दिखा सकते हैं। और आरएफ और हाइफू दोनों नॉन सर्जिकली, बिकॉज पहले लोग यही समझते थे कि फेस लिफ्टिंग के लिए अंडर नाइफ जाना पड़ता है, ठीक है, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अब ये सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं वो हम नॉन सर्जिकली, और क्या क्या फर्क आ जाता है, क्या क्या नेक भी लिफ्ट हो जाती है? नेक भी लिफ्ट हो जाती है, आईब्रोज भी लिफ्ट हो जाती है, यस। आपके रिंकल्स भी खत्म हो जाते हैं। अच्छा, जो आपके क्रोज फीट होते हैं जिनके लिए आप बोटॉक्स कराते हो हाइफू से, वो भी चले जाते हैं। और ये आपके नेजोलेबियल फोल्ड्स भी खत्म हो जाते हैं, नो मोर इंजेक्शन। अच्छा, और ये वाह, ड्रूपी लिप्स भी खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल। वाह, तो ये क्या है, मैं देखना चाहूंगी। तो एक नजर जरा हाइफू पे और आरएफ पे भी डालते हैं। हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सदाबहार खूबसूरती के राज, इसमें अंबर ने आपको मेकअप से बताया कि कैसे हमने कवर करना है उन फ्लॉस को जो छोटे छोटे होते हैं, बड़ा बड़ा तंग कर रहे होते हैं हमें। और अब उमेरा हील हमें बताने जा रही है कि गैर जरूरी फालतू बाल जो चेहरे पर होते हैं, जिस्म पर होते हैं, उनसे कैसे जान छुड़ानी है। अच्छा, उन बच्चों को जिन्होंने कभी वैक्सिंग नहीं की उनके लिए पहले मैं बताऊंगी कि उसमें खुबानी का पेस्ट बना लें आप,
आम खुबानी, खुश खुबानी, खुश्क है या फ्रेश है जो भी मिल जाए, अगर खुश्क है तो थोड़ा गर्म पानी में डालें, उसको माइक्रोवेव में करें और उसके बाद जो है वो पेस्ट बना लें। ठीक है, उसमें आपने मिलाना है शहद, हनी, ठीक है, तकरीबन एक दो खुबानी के अंदर एक चाय का चम्मच शहद मिलाना है, ठीक है, और एक चाय का चम्मच आपने बेसन मिलाना है, ठीक है, और इसको जो है जिनके भी रुआ है जिन्होंने कभी वैक्सिंग नहीं की उसको आपने लगा देना है, लगा के हल्का सा मसाज करना है, उसके बाद छोड़ देंगे तो 20 से 25 मिनट में ड्राई हो जाएगा, चिपकने लगेगा, जब ये चिपकने लगेगा तो दोबारा आपने हाथ थोड़ा सा सूखा उसमें लगाना है बेसन में या आटे में और उसको रगड़ते हुए उतार देना है, ठीक है, उससे क्या हुआ कि आपके हल्के हल्के जो बाल है रुआ टूटना शुरू हो जाएगा, हफ्ते में सिर्फ दो बार करना है, ज्यादा नहीं करना, इसलिए बारीक बारीक दाने निकल सकते हैं, आप हफ्ते में दो बार करेंगे लेकिन इससे जो बाल उतरेगा उससे बाल दोबारा आता नहीं है, और वाह, और लेकिन ये अनवांटेड हेयर्स उन बच्चियों के लिए जिन्होंने कभी वैक्सिंग नहीं की, जिनका बाल बहुत थिक नहीं है, लेकिन अगर जो लोग कर चुके हैं, जो कर चुके हैं उनके लिए मैं बताऊँ, ये जो है हमारा अपना बड़ा जबरदस्त का नुस्खा, ये हड़ताल वर्क किया और ये अनबुझा चूना, ठीक है, दोनों को इक्वली आपने लिया हम वजन, इसका पाउडर बना के आपने रख लिया, हड़ताल वर्किया, हड़ताल वर्किया, अनबुझा चूना, इसको जो है आपने अंडे की सफेदी के साथ या पानी के साथ पेस्ट बनाना है, इसको लगाना है 7 मिनट के बाद इसको उतारेंगे, मतलब वॉश करेंगे बाल उतर जाएंगे, ठीक है, लेकिन लगाने से पहले पेस्ट टेस्ट जरूर कीजिए, ठीक है, किसी और जगह पे, हाँ बिल्कुल, आपने लगा के चेक करना है, इसलिए कि चूना जो है थोड़ा तेज होता है तो स्किन सेंसिटिव है तो आपको इरिटेट कर सकता है, ठीक है, तो अगर हार्मोन्स का मसला नहीं है तो 2 से 3 दफा के बाद इससे बाल खत्म हो जाते हैं, मोटे तो नहीं हो जाएंगे दोबारा जब निकलेंगे, अगर हार्मोन्स का मसला नहीं तो परमानेंट खत्म हो जाएंगे, वरना इसको आपने मतलब एज अ जैसे अपना रिमूवर होता है लगाना है बस, बिल्कुल सही। और हार्मोन्स के लिए हमने बताया है कि आपने चार सीड्स है, मेथी दाना है, अजवाइन है, कलौंजी है और साबित इसबगोल है, इन सारी चीजों को मिक्स करके आप रख लें, रोजाना एक चुटकी सुबह ने हार्मोन खानी है। थैंक यू वेरी मच उमेरा हील, और यहाँ पर हमने सहरिश के साथ जो आज मेडिकल अपने ट्रीटमेंट्स आपके साथ शेयर किए हैं, आपने देखा इनकी कितनी आईब्रोज हैं, जब आपने मिले थे इनसे तो आईब्रोज नहीं अच्छी लग रही थी, बिल्कुल चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा था, सिर्फ हमने इनकी आईब्रोज की माइक्रोब्लेडिंग की है और एकदम से उनका चेहरा जो है बदल गया है, और ये परमानेंट रहेगा डेढ़ एक साल तक, दो साल तक इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर नीचे जो बाल एक्स्ट्रा आएंगे वो निकलवा लें और बाकी सब जो है वो ठीक ठाक इसी तरह से फ्रेश रहेंगे। इनके चेहरे पे हमने क्या किया, इन पे हमने डर्मा प्लानिंग की थी, ठीक है, और फिर मैग्नेटिक मास्क लगाया, तो उसके बाद इनका चेहरा जो है एकदम से निखरा हुआ, धुला हुआ, फ्रेश जो है वो हो गया है। और यहाँ पर हमने अप्लाई की है लैशेस, प्रेफर ना के बंद कर ली लैशेस अप्लाई की है, और लैशेस अप्लाई करने से एकदम से नेचुरली उनकी आंखें जो है वो निखर आई हैं, उभर आई हैं, बिल्कुल। और कुछ इसमें मस्कारा अगर लगाना है तो वाटर बेस्ड मस्कारा लगाना चलेगा, ये 2 मंथ्स तक रहेंगी, वो डिपेंड करता है ये केयर कैसे करती है, बिल्कुल सही। और यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने रिची केराटिन किया है, ठीक है, और ये केराटिन के साथ इनके बाल जो है वो स्मूथ एकदम से, और जो फ्रिज है गर्मियों में आजकल हमने बांध बांध के उनको हम रख रहे होते हैं, हाँ, जिनके क्योंकि फ्रिजी और कर्ली हेयर होते हैं वो हर वक्त टाई करके रखती हैं, तो वो ये स्मूथनेस जो है वो एंजॉय कर सकती हैं, बिल्कुल सही। तो आपको अपनी पोनी से और अपनी उस कैचर से जान छूट जाएगी जिसे कभी भी नहीं छूट रही होगी, और इनके चेहरे पर एक ग्लो, एक चमक जो है वो आप देखिए इसका इंस्टेंट रिजल्ट है, और मैंने कहा था शो खत्म होने से पहले क्वाइट रेडनेस जो है वो खत्म हो जाएगी और नजर आ रहा है काफी ग्लो, और ग्लूटाथियोन आप भी इस्तेमाल करना चाहें, चाहे आप उमे राहिल के हर्बल नुस्खे इस्तेमाल करें, आप अंबर की मेकअप टेक्निक्स यूज करें, या आप सहरिश की ये तमाम लेटेस्ट जो क्या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है, इंटरवेंशन है, सो आप सदाबहार खूबसूरती जो है वो पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहे, अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर आपसे मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह वक्त बदलने वाला है, कोई अपना आने वाला है।